टीवी वन के निहायत दिलचस्प ड्रामों और एंटरटेनमेंट से भरपूर शोज किसी भी वक्त देखने के लिए हमारी वेबसाइट विजिट करें या हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन पर क्लिक करें। हेलो अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं यासिर हुसैन और ये है मजेदार शो। और ये मजेदार शो कभी भी इतना मजेदार नहीं था जितना आज होने वाला है। थैंक यू। लेकिन सबसे पहले मैं इंट्रोडक्शन उनका करा दूं जिन्होंने मुझे इंटरप्ट किया। मेरे बहुत ही अच्छे भाई दोस्त, बहुत ही अच्छे सिंगर काशिफ अली हमारे साथ है। बहुत सारी तालियां काशिफ, खुद बजाइए। और इंतहाई नौजवानों का ये बैंड जिनका नाम है द कराची बॉयज। इनकी उम्रें बता रही हैं कि इनके अपने बॉयज का एक हैदराबाद बॉयज के नाम से बैंड है। लेकिन खैर, हम चलते हैं अपने उन मेहमानों की तरफ जिनकी वजह से आज का शो बहुत ही मजेदार होने वाला है। इससे पहले जो इस शो के होस्ट थे वो बहुत मजेदार थे लेकिन कभी भी उतने मजेदार गेस्ट नहीं आ पा रहे थे। तो हमने सोचा कि इस शो को ज्यादा मजेदार कैसे बुलाया जाए, तो इसलिए हमने उन गेस्ट को बुला लिया है जो यहाँ पे पहले होस्ट थे। उनके बारे में आप वैसे तो सब कुछ जानते हैं लेकिन मैं थोड़ा सा बताना चाहूंगा कि थिएटर से लेके टीवी से लेके फिल्म तक और शोज तो आप उनके देखते रहते हैं। मल्टी टैलेंटेड हैं दोनों। हाय, दोनों मेरे सामने खड़े हैं, हसीन और जमील। आपकी बहुत सारी तालियों में आदि और फैजान। आपने जो गाड़ी लिया ना, आप दो ही दे दो उसके बाद बड़ी बात है। मुझे बताया कि आप लोगों की तबीयतें कैसी है? बिल्कुल ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह। एनर्जी भरपूर है, अल्हम्दुलिल्लाह। आज का शो कैसा जाने वाला है? बहुत जबरदस्त जाएगा इंशाल्लाह। मुझे लगता है बहुत ज्यादा जबरदस्त जाएगा और मुझे ऐसा लगता है कि सीजन 3 आप ही करेंगे क्योंकि हमारी एक पेमेंट थोड़ी रोक रहे हैं लोग तो हम चाहे छोड़ दें। इस हिंट के बाद तो मैं बिल्कुल नहीं करूंगा। तो प्लीज तशरीफ रखिए, बहुत सारी तालियां आदि और फैजान के लिए। आदि, थैंक यू जी, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। अच्छा, इनकी बारी में ऑडियंस भी ज्यादा आई है। यासिर, मैं बड़ी स्ट्रगल की 3 साल। पूछने तो दे। अच्छा, मैं चले जाता हूँ। पहले रख के बैठ। नहीं, वो पहले से सोच के आया था। फर्स्ट टाइम है ना सर। नहीं, वो सारी चीजें तो चलती रहेंगी लेकिन वाकई मैंने पूछना यही था कि आप लोग स्टार्ट कैसे हुआ? आप तो डीजल इंजन हो। पता नहीं क्यों मुझे पता था ये बात। ये वाली बात है। अच्छा, 2-3 और हैं तुम्हें पता। पहले से नहीं हंसना, ठीक है? नहीं, मैं वाकई जानना चाहता हूँ क्योंकि आपने कितने लोगों से पूछा है ये सवाल कि आप लोगों ने कैसे स्टार्ट लिया। थोड़ा थोड़ा मुझे आइडिया तो है कि आपने कैसे, आपका तो है मुझे जी, मैंने बताया। मेरा तो बहुत लोगों को आइडिया है। हाँ, शुरू होने में तो आपका भी हाथ है। मेरे तो इतने लोगों को आइडिया कि कुछ घर पे भी आ गई थी बताने के लिए जी। तो हम बताएं आपको आगे क्या बताया कि ये भी आपका ही आइडिया है? नहीं नहीं, मैं आपको बता दूं कि मेरा जो स्टार्ट था एक्टिंग की तरफ का वो इसलिए था कि मैं T2F जाता था, द सेकंड फ्लोर उस जगह का नाम था। तो मैं वहाँ जाके एक एक्टिंग वर्कशॉप्स होते थे, उधर हम एक्टिंग करते थे। और फिर उसके साथ साथ हुआ ये कि वहाँ आई मेट लॉट ऑफ पीपल देयर। फिर हमने इम्प्रोव शुरू किया, वहाँ से एक ग्रुप बना जिसका नाम था लॉल वाले, उनके साथ मैंने परफॉर्म करना शुरू किया। फिर वहाँ मुझे वकार जगह मिले थे। अच्छा। वकार जगह मिले थे, उन्होंने उस वक्त कहा था कि तुम ये एक्टिंग और इस तरफ क्यों नहीं आते, तुम्हारे सब चीज़ें जबरदस्त हैं। तो मैंने कहा नहीं, हमारा तो कुछ नहीं है। फिर मैंने थिएटर करना शुरू किया जो कि T2F में ही होता था। ऐसी कहा नहीं, हमारा तो कुछ नहीं है। हाँ, मैंने कहा कि यार मैं कैसे करूँगा, मतलब मेरा तो कोई ताल्लुक ही नहीं है इस इंडस्ट्री से। तो फिर मैं T2F में थिएटर करता था, फिर मैं दूसरी छोटी छोटी जगहों पर कॉर्पोरेट जो थिएटर होते वो करता था, फिर वहाँ से वही वाली बात। अच्छा, ये क्या सोच थी कि मेरा तो ताल्लुक ही नहीं इस इंडस्ट्री, तो मैं नहीं आ सकता? क्योंकि जिस जगह का रास्ता ही नहीं पता, एक तो है ना कि रास्ता मुश्किल है आसान है, एक पता ही नहीं है कि वो सड़क है किधर। तो मैंने कहा यार मैं कैसे करूँगा, मुझे तो नहीं पता क्योंकि मुझे बिल्कुल आइडिया नहीं था। तो मैं बस इसलिए करता था कि ठीक है, मज़ा T2F में होता था, दूसरी जगह होती थी वहाँ परफॉर्म करते थे। फिर एक दिन मुझे याद है कि मैं और तलाल जिलानी थे साथ में, वो हम रोड जमजमा पे जा रहे थे तो वहाँ पोस्टर लगा हुआ था अपबीटेबल्स का। अच्छा। जिसमें जरमीना ब्रेखना, हसन रिजवी, वापशा वो उसको डायरेक्ट कर रहे थे। हम, मैं नहीं जानता था उनको, और जमजमा के टॉप फ्लोर चार डायरेक्टर्स थे उसके। बिल्कुल, वो डांस में था अपने।
चार डायरेक्टर थे और उनमें से एक भी डायरेक्टर नहीं था तो नहीं मतलब नहीं थे वो तो कोरियोग्राफर्स थे, ठीक है। तो खैर हमने एक पोस्टर पढ़ा और हमने कहा चल के दिखाते हैं। वो जाके पोस्टर से ऑडिशन दिया, वो बहुत अच्छा हो गया, तालियां वाली। उन्होंने कहा आप डांस कर लेते क्योंकि डांस पे प्ले है। मैंने कहा थोड़ा सा कर लेता हूँ, फिर मैंने वहाँ थोड़ा सा डांस किया तो और खुश हो गया। आपने कैसेट दोनों तरफ से बजवाई थी? मैंने डांस भी दोनों तरफ से किया मैंने, आगे से भी देख ले, पीछे से भी देख ले, साइड और साइड भी। तो उसके बाद फिर टर्न आउट टू बी के उन्होंने कहा नहीं हमारे जो कैरेक्टर्स हैं वो तो हो गए फिल्म, फिर बोर हो रहे थे तो हमने कहा फिर डांस। नहीं उन्होंने कहा कि आपकी जगह नहीं है। और फिर मुझे बाद में वापस उनकी कॉल आई कि वो जो कैरेक्टर था वो जो मैंने आपको बताया कि उसका नाम यासिर था और वो आप ही कर रहे थे और आप किसी वजह से नहीं आ पाए थे, तो फिर मुझे उस कैरेक्टर के लिए रखा और वहां मैं मिला साकिब समीर से। फिर वहां से जो जर्नी शुरू हुई समीर हो नहीं पा रहा असल में बाबा पूरी है ना ये सब बोलो इस दफा पर्चियां डाल ले मुझे तो लगता है साकिब सुहेल ना निकला है तो बस फिर हम वहां से थिएटर शुरू हुआ और फिर वहां से आज का दिन है कि चलता जा रहा। माशाल्लाह ये तो काफी करना चाहता था क्योंकि जर्मीना और रेखना बड़ी अच्छी दोस्त है मेरी और वहाब और वो तो है ही हसन रिजवी, तो मुझे ये था कि यार वो उनके साथ मैंने जरूर क्योंकि पहला काम कोई भी कर रहा हो ना तो मेरी ख्वाहिश होती है कि मैं उनके साथ काम करूँ, ठीक है। और ये मैं आपको भी मशवरा दूंगा कि ये जरूर किया करे क्योंकि जो लोग पहला काम कर रहे होते हैं ना बेचारे बड़े मुसीबत में होते हैं और बड़ी मेहनत भी करते हैं। हाँ, और उनको कोई सीरियसली नहीं ले रहा होता, बिल्कुल। तो वो उस वक्त उनकी मदद बड़ी जरूरी होती है। खैर ये तो मैं ऐसी अच्छा जिस रात देखिए हम पहली बार इंटरव्यू दे रहे हैं तो आपने हमारा साथ दिया तो आप अच्छा कर रहे हैं। नहीं माशाल्लाह आप लोग इतने इतने इंटरव्यूज दे चुके हैं वो अलग बात है जॉब नहीं मिली है आपको लेकिन आप थोड़ा सा मुझे बताएं आपका तो फैमिली बैकग्राउंड भी। सर सिलसिला ये है कि घर में सारे बहुत ही ज्यादा पढ़ने वाले सिबलिंग्स हैं मेरे और मैं उनमें एक नालायक था। हाँ? लेकिन आपकी आपकी वालदा भी एक्ट्रेस हैं, आपकी बहन भी है, आपकी बेगम भी। हाँ लेकिन ये बेगम से तो मेरी कुछ 3-4 साल पहले मुलाकात हुई। अच्छा। बहन ने मेरी शादी के बाद एक्टिंग अजीब लगी ना, बेगम से तो मेरी 4-5 साल पहले मुलाकात हुई तो उन्होंने बताया कि भाई मैं आपकी बेगम बेगम हूँ आपको पता ही नहीं है तो अम्मा के साथ मैं जाता था सेट वगैरह पे और मैंने बड़ा खुशनसीब हूँ मैं कि मैंने मुईन अख्तर साहब को रिहर्स करते देखा है, उमर साहब को रिहर्स करते देखा है और बड़ा मज़ा आता था उस वक्त। और मैंने थिएटर उनका बहुत सारा देखा लाइव और उसके बाद मुझे ऐसा लगा कि मैं करना चाहता हूँ ये, लेकिन मैं बहुत इंट्रोवर्ट हूँ, शाय हूँ, बात करने में आइस ब्रेकिंग में बहुत बुरा हूँ तो मुझे नहीं लगता था। बहुत ये लेटली पता चला है कि तुम इंट्रोवर्ट हो। हाँ हाँ, और ये खुद कैसे पता चलता है इंसान को कि वो इंट्रोवर्ट? लोगों ने कह कह के मुझे पक्का कर दिया है और फिर उन्होंने बताया भी है, बिकॉज मैं अगर नई जगह जाता हूँ तो मेरा पहला इंप्रेशन हर जगह ये होता है कि शायद ये रूड है या बात नहीं करना चाहता या इसके कुछ मसाइल हैं, तो पता नहीं ऐसा क्यों है। तो उसके बाद मैंने अम्मी से ये ख्वाहिश जाहिर की कि मैं एक्टिंग करना चाहता हूँ, तो उन्होंने कहा बेटा फिर पढ़ो इस बारे में। और मैंने कहा पढ़ने का सीन तो मैं तो समझा था ये आसान काम होगा। हाँ। तो कहा नहीं आसान नहीं, आप पढ़ें। मुझे ज़ाबिस भेज दिया गया, मैं ज़ाबिस पढ़ना शुरू हो गया। उसके बाद वहाँ एक थिएटर प्ले का ऑडिशन मैंने सुना हो रहा है तो मेरे दोस्त ने मुझे कहा, वो बहुत अच्छा प्ले एक्टर था, उसने कहा चलते हैं और ऑडिशन देते हैं। मैंने कहा हमें कोई क्यों कास्ट करेगा यार, उसने चलने में क्या हर्ज है। मैं चला गया। उससे पहले हम लोग जितने सीनियर्स थे हमारे अली गुलपीर वगैरह इनकी फिल्म में हम लोग काम किया करते थे। अच्छा। मुफ्त में या एक कोल्ड ड्रिंक वगैरह पे या फिर इस शर्त पे कि जी हमारी रैगिंग मत कीजिएगा, हम एक्टिंग करते थे तो मज़ा आता था उसमें। तो वहाँ जाके हमने ऑडिशन दिया तो एक्टिंग तो ठीक थी। उन्होंने कहा हमें एक डांसर ढूंढने में डांसर नहीं मिल रहा, आप डांस कर सकते हैं। किस सोसाइटी में घूम रहे थे? काफी नचनिया सोसाइटी, सख्त नचनिया सोसाइटी। ये कौन लोग थे? किस तो सोसाइटी नहीं थी, वो एक गली थी। ये ज़िया के दौर से पहले की बात बता रहे हो आप। तो हर पहले डांस बेस्ड कुछ ना कुछ कर रहा है। और मजे की बात ये कि मुझसे पहले वो बी बॉइंग कर रहे थे, वो उछल कूद रहे थे, तोड़ फोड़ रहे थे अपने आप को। तो मैंने कहा इनके सामने आपको डांसर क्यों चाहिए? नहीं मुझे वो हार्ड कोर मेहंदी डांसर टाइप नहीं थे, वो लोग चाहिए। मैंने कहा अच्छा है। तो उन्होंने उस वक्त इसने पीछे मुड़ा होगा और ऐसे बालों नहीं स्लो मोशन में तो पता ही नहीं है। नहीं नहीं उसमें तो सही होकर के जेब से कार्ड निकाला सीडी सीडी मेहंदी डांसर तस्वीर भी ऊपर सीडी निकाली मैंने। प्रोग्राम पे भी आता हूं मैं प्रोग्राम मेरे तो फंक्शंस खत्म ही नहीं हो रहे। तो उन्होंने एक पश्तो गाना लगाया उसमें, मैंने मुझे थोड़ा बहुत अदान आता था मैंने किया तो मजा आया। उन्होंने कहा यार आप तो ये कैरेक्टर कर सकते हैं, एक चौकीदार का कैरेक्टर। अच्छा। तो वो पहला प्ले था मेरा सिंडर जट, जावेद सईदी का प्ले था। अच्छा। उसमें भी साकिब सुमेर और समीर दोनों थे। अच्छा। उनके साथ फिर वहां से। अच्छा आप नोट करें साकिब समीर जिस भी प्ले में था उसके पैसे किसी ने नहीं खाए। साकिब के पैसे खाना बहुत मुश्किल है, वो बद्दुआ दे देता है और उसकी लगती जाती है और अपने बावलपुर की लैंग्वेज में।
तो बस वहां से फिर बैक टू बैक काम करते रहे। माशाल्लाह फिर आप लोगों ने बड़ा अच्छा काम किया। थिएटर आप दोनों में कॉमन चीज है, आप लोग खुद मिले भी दोनों थिएटर, बिल्कुल ऐसी है। थिएटर बंद हो गया, बिल्कुल ना होने के बराबर है। और थिएटर ऐसी इंडस्ट्री भी नहीं है कि जहाँ पे काम हो तो पैसे वैसे भी मिले। कैसा फील, कैसा होता है? मुझे तो डर लगता है। और मैं जो चीज अभी भी कहता हूँ कि ये मुझे ऐसा लगता है सारा कुछ इसलिए हुआ है क्योंकि नियत का मसला है। हमारे मुल्क में मोस्टली ऐसी होता है कि जब भी कोई चीज़ अच्छी होने लगती है तो सबको लगता है यार हम भी कर सकते हैं, और सब उसी काम में पड़ जाते हैं। फिर अच्छे बुरे लोग जो हैं, जो बुरे लोग हैं उसको ऐसा ख़राब करते हैं कि वो ख़त्म हो जाती है। थिएटर के साथ भी ऐसे हुआ, जब बहुत अच्छे लोगों ने थिएटर करना शुरू किया और उसमें ब्रांड्स और वो स्पॉन्सर आना शुरू हुए तो चलते फिरते हर कोई प्रोड्यूसर बन के उसने घटिया घटिया प्ले करना शुरू किया। बात कर रहे हैं एक वो थे क्या रोमियो लस पारो में, कौन थे वो? हाँ, वो नहीं पता मुझे। रोमियो लस पारो के हमारे एक डायरेक्टर थे, वो उनका काम मतलब वो अपनी तरफ से डायरेक्टर थे। हाँ, उन्होंने कहा यार मैं इम्प्रोव करता हूँ। तो हमने कहा इम्प्रोव ये कब करेंगे? हाँ, तो वो ऐसे पैसे लेके भाग गए। फिर एक और लोग थे वो पैसे लेके भाग गए। यार उनका नाम क्यों नहीं आता? राहिल लोधी साहब उनका नाम था और वो भाग गए थे आखिर में। तो इस तरह के लोग ही वैसे फिर बर्बाद हो गया। और जाहिर सी बात है, देखें अब ब्रांड या स्पॉन्सर जो भी है, जब वो देखता है कि यार ये ऐसा हो रहा है, जैसी चीज़ें बोल रहे हैं वैसी नहीं हो पा रही, तो भागेगा स्पॉन्सर, भागेगा। अच्छा, तो मुझे इस बात से इख्तलाफ है, वो ये कि बुरे लोग नहीं होते, बुरा काम चीज़ को ख़राब कर देता है। इतने अच्छे प्लेस चल रहे थे, आपने कई सारे प्लेस किए, उसके बाद हमारे भी आगे पीछे प्ले होते थे। बुरे प्लेस जो एक साथ शुरू हुआ ना, बैक टू बैक, वही वाली बात कि जी मैं भी कर लूँगा, उसके प्लेस खराब होते गए, स्पॉन्सर्स भागते गए, ऑडियंस भागती गई। बड़ी मेहनत से ऑडियंस ने आना शुरू किया था, लोग जाके पूछते थे अब कौन सा प्ले आ रहा है। हर प्ले पे लोग जाते थे, एटलीस्ट प्रीमियर नाइट पे या जो प्रेस के लिए नाइट होती थी उस पर लोग आते थे, वर्ड ऑफ माउथ बनता था। लेकिन उसके बाद तो फिर ऐसे ऐसे प्लेस होने लग गए। अच्छा, फिल्म कर रहे हैं दोनों, एक आपकी तो अभी रिसेंटली 10 तारीख को फिल्म आई है उधम पटक। हाँ जी, और आपकी फिल्म आ रही है पीछे तो देखो। हाँ, आपकी पहली फिल्म है वो? मेरी अगर काम करने के उससे देखा जाए तो तीसरी है, मतलब रिलीज पहली हो रही है। मैंने उमर ईसा की फिल्म भी मैं कर रहा हूँ जो कि कंप्लीट हो गई है, उसकी सिर्फ डबिंग रहती है। एक मैं, नाम क्या है फिल्म का? उसका नाम मन रंजन आखिरी बार डिसाइड हुआ था। अच्छा। पहले उन्होंने उसका नाम रखा था बेबी लिशेज आई लव यू, फिर उनको समझ आया कि नहीं नहीं, फिर उन्होंने उसका नाम मन रंजन रख दिया। ठीक है। दूसरी फिल्म का नाम डिसाइड नहीं हुआ या मुझे याद नहीं है, जिसमें आमना भी है और मस्तानी, वो भी कंप्लीट हो गई है। हाँ। तो लेकिन वो नहीं आई, लेकिन सबसे पहली ये पीछे तो देखो आएगी, जिसमें जो मुझे लगता है शूटिंग वाइज सबसे आखिरी लेवल है। हाँ। मुझे लग रहा है कि ये मेरी फिल्म भी फंसी जाएगी। मुझे भी यही लग रहा है क्योंकि 3 महीने से लग रहा आ रही है। इस पहली दो भी फंसाई, लेकिन आप दोनों को बहुत मुबारकबाद, उसका प्रोमो बहुत जबरदस्त है, आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू इट। इनको यकीन नहीं आता जब इनकी तारीफ करो, पता नहीं क्या मसला है। मुझे तो आपको पता है, मैं अच्छी बात है, आर्टिस्ट को अपना काम खुद पसंद नहीं आना चाहिए। नहीं, खुद उधम पटक का कैसा रिव्यू आया और कैसा आपने खुद? यार रिव्यू में नहीं पढ़ता, लेकिन मैंने जाके देखा, मुझे फिल्म सही लगी। मुझे कुछ एतराज थे उस पर, लेकिन ये कि मैं जब काम कर रहा होता हूँ तो मैं अपने सजेशन जरूर दे देता हूँ ताकि मुझे बाद में अफसोस ना हो कि यार मैं बोल ही देता। तो इवन ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ द शूट मैंने कहा था अबू लिया से कि जी ये चीज़ें कुछ बेहतर ऐसे हो सकती हैं। उन्होंने कहा यार मैं जानता हूँ तुम्हें, मैंने कहा फिर आप जैसे। और मुझे याद है कि फैजान बता रहे थे कि उसका सबसे बड़ा फैजान को जो मसला फील हुआ वो ये हुआ कि वो फिल्म सिनेमा के लिए बनी नहीं थी, वो वो वेब के लिए बनी। वो इनिशियली वेब के लिए उनका प्लान था, फिर उन्होंने कहा बन गई, मैं चाहता हूँ सिनेमा पे ले जाऊँ। तो मैंने कहा ये सिनेमा की फिल्म नहीं है, सिनेमा के कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन हैं, खासतौर पर जो आप उसका प्रो मतलब पोस्ट प्रोडक्शन कर रहे हो तो ADR बहुत इंपॉर्टेंट है, उसकी मिक्सिंग बड़ी इंपॉर्टेंट है, कलर ग्रेडिंग, ब्ला ब्ला ब्ला, बहुत सारी चीज़ें। उन्होंने कहा नहीं, मैं बस मुझे लगता है जाएगी। तो मैंने कहा फिर आपका प्रोडक्ट है, आपकी मर्जी है, जैसे आप चाहें। अच्छा, बोलते तो आप दोनों बहुत अच्छा है, लेकिन आजकल सोशल मीडिया पे ज्यादा बोल रहे हैं दोनों। मैं बोलता हूँ, नहीं बोलता, मैं तो नहीं, आप भी बोलते हो? नहीं, मैं एक ही बार आता हूँ सीधा। हाँ, कभी, लेकिन कभी, बहुत ये तो कभी कभी बोलता है। मैं नहीं, 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 पहले बिल्कुल नहीं बोलते थे। हाँ, इन्होंने भी बोलना शुरू कर दिया। हाँ, और आप भी काफी ज्यादा बोल रहे हैं, कोई खास वजह अचानक से आप लोग आए? मैं तो इसलिए बोलता हूँ कि मैं तो जब सच्ची बात है, मैं तो अभी भी इन चीज़ों में नहीं पड़ता क्योंकि मैं देखता बहुत कम हूँ। लेकिन अगर मेरे सामने कोई ऐसी चीज़ आ जाए जो बहुत ही अजीब सी हो जाए ना, जो मैं कहता हूँ कि अंधे पागल तो नहीं हो गए, तो फिर मैं बोल लेता हूँ। वरना मैं नहीं, इन चीज़ों में दिखता ही नहीं है, मैं तो सोशल मीडिया पर इतना स्क्रोल ही नहीं करता। लेकिन जब वेन आई सी समथिंग रियली रॉन्ग, या खास तौर पे लाइक क्या लास्ट क्या चीज़ रॉन्ग देखी आप? लास्ट चीज़ मुझे वो जो आमना इलियास की जो वीडियो थी, जो उन्होंने उनका कजन जो बताती हैं, उसके सेब रखा हुआ था और उसको वो लात मारती हैं घूम के, आई फेल दैट वाज रियली रॉन्ग। और ठीक है, आप उसको कह रहे हैं कि जी एक्सीडेंटल था या जो भी था, यू लाफिंग ओवर इट, हो गया ना, ठीक है, मैं कह रहा हूँ गलती से हो गया, लेकिन फिर उसको पोस्ट भी तो आप ही ने किया ना। फिर जिस तरह एक वीडियो थी जिसने मुझे बॉदर किया, जिसमें वो हानिया रो रही थी बैठ के अपनी दोस्त के साथ,
तो मुझे ये बॉदर किया कि अगर आप रो रही थी और ये इतनी पर्सनल चीज थी तो कैमरा रख के किसने ऑन किया, आप ही ने किया ना, फिर पोस्ट किसने किया, आप ही ने किया ना। तो जब वो बहुत ज्यादा हो जाते हैं, जब मैं कहता हूँ आर यू ब्लाइंड, या मुझे ऐसा लगता है कि आप एक पब्लिक फिगर हैं तो एक रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है, वरना अगर आपको इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेनी कि यार मैं जो लोगों को बता रहा हूँ वो उसको लेते, तो फिर आप में और एक टिकटॉकर में कोई फर्क नहीं रहा ना। अच्छा, ऐसा ऐसा नहीं लगता कि जब फ्रेटर्निटी पे कोई, क्योंकि हम देखा जाए तो एक ही लोग हैं सारे जो फ्रेटर्निटी के लोग हैं, और जो आउटसाइडर्स हैं जो सिर्फ देखते हैं हमें या कॉमेंट करते हैं वो बिल्कुल अलग लोग, तो ऐसा नहीं लगता कि जब हमारे लोगों में से कोई कोई ऐसी चीज करता है तो हमारे ही लोगों को शायद नहीं कहना चाहिए? ये आपका अपना ओपिनियन है, तो क्या ऐसा है कि उन्हें हमें ही नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि आउटसाइडर्स तो वैसे ही बहुत लानतान कर रहे होते हैं, तो ऊपर से जब हम भी थोड़ा सा और लिख देते हैं तो लोग कहते हैं हाँ ये सही कह रहा है, ये तो है ही ऐसी, तो वो शायद थोड़ा सा फायर अप हो जाती है चीज। अच्छा, मुझे ऐसा ये लगता है कि मैं वही मैंने बताया like, आमना ने लात मारी, बिल्कुल वो हो गया, हानिया ने ये किया, लेकिन आपके लिखने के बाद बिल्कुल लोगों ने थोड़ा और वो किया होगा कि यार हाँ ये तो है ही ऐसी, वो तो होगा, लेकिन why I say it is the reason, वही मैंने बताया ना, जब चीज बहुत फायर करती है मेरे दिमाग को तब मैं लिखता हूँ, क्योंकि वो वाली लिमिट होती है जिसका हिस्सा मुझे नहीं बनना होता, तो मैं इसलिए लिख देता हूँ कि यार के ये तो मुझे भी गलत लग रहा है, मैं तो इस इंडस्ट्री का हिस्सा हूँ, ऐसा नहीं कि मुझे सही लग रहा है क्योंकि मैं इसका हिस्सा हूँ, नहीं, ये बहुत ज़्यादा गलत हो गया। हम ऐसी चीज़ें करते हैं, मैं भी ऐसी चीज़ें करता हूँ, सब लोग करते हैं कुछ ना कुछ ऐसा करते हैं, लेकिन एक लिमिट होती है, जब आप बिल्कुल ही उससे आगे की तरफ चले जाते हैं ना, तो मैं दूसरी साइड पर जाता हूँ, मैं कहता हूँ नहीं यार मैं इसका हिस्सा नहीं हूँ, इसके पहले तक सही था, तो मुझे ऐसा इंडस्ट्री से निकल जाते हैं। हाँ, मतलब आई टेक द अदर पार्ट के भाई देखें ये गलत है यार, ये गलत हो गया, ठीक है। आपका आपका क्या इस पे कहना? देखिए मेरा ये तरीका है कि मुझे अगर लगता है कोई चीज मुझे वाकई हर्ट करती है मैं तब लिखता हूँ, और मैं बड़ा जेन्युइनली लिखता हूँ, मुझे बहुत हर्ट हो रहे हैं, और मुझे बहुत लोग कहते हैं कि आप बहुत ज्यादा सच बोलते हैं, निकला बहुत ज्यादा सच बोलते हैं, मत बोला करें, मुझे काफी लोग समझाते हैं, कुछ दोस्त डांटते भी हैं, कुछ बड़े भी डांटते हैं, नाम नहीं बताऊंगा, लेकिन उनका फोन आ जाता है कि पागल हो क्या, जरूरत है लिखने की, मुझे तकलीफ हो रही है। आप जैसे अभी मैंने रिसेंटली इफ़त उमर की कमेंट में मैंने लिखा था, मैंने कहा आपने क्यों लिखा ये, पूरी दुनिया की इंडस्ट्री देख ले, पूरी दुनिया की इंडस्ट्री में पूरी दुनिया के लोगों के ऊपर काम किया जाता है, मतलब हॉलीवुड ने जिना पे फिल्म बनाई तो क्या उन्होंने गलत किया, या वहाँ शोर हुआ कि जी जिना पे क्यों फिल्म बना रहे हैं, या यू आर ट्राइंग टू इम्पोज पाकिस्तान ऑन हॉलीवुड, नो इट्स नॉट लाइक दैट। ऊपर से आपका जो रिसर्च है वो जीरो है, आप कह रहे सलाउद्दीन अयूबी जो है वो टर्क थे, मतलब फॉर गॉड से नहीं कहना चाहिए, और वही वाली बात कि आप पे जिम्मेदारी बहुत आयद होती है, क्योंकि अगर आपके मिलियन ऑफ फॉलोअर हैं तो आप जो कहेंगे लोग अंधा लोग बिलीव कर लेते हैं आप, क्या हाँ ये तो है ऐसा। तो जो इफ़त उमर ने कहा था उसमें बहुत से लोग उनके साथ भी खड़े थे, जो मैं कह रहा था क्यों, मैं ये नहीं कह रहा कि उनको सपोर्ट ना करें, लेकिन उनकी बात को समझें, वो कह क्या रही है, वो गलत बात कह रही है, गलत हिस्ट्री कोट कर रही है, विच इज़ रॉन्ग। तो मैं ऐसी किसी बात पर लिखता हूं। मैंने जो उनकी बात को समझा वो ये, मुझे ये समझ आई थी कि वो कह रही थी कि हम अपने हीरोज पे क्यों नहीं बना रहे, अपने हीरोज से मुराद नेशनल हीरोज पे, ना के मजहबी हीरोज पे, ठीक मुझे है, ये बात समझ आई है कि जो नेशनल हीरोज हैं उन पे अभी तक कोई फिल्म भी नहीं बनी। हाँ, लाइक फर्ज करें बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे लोग, सलाम या कदीर खान, बहुत सारे या बिल्कुल, बिल्कुल जहांगीर खान या जानशेर खान पे कोई, वसीम अकरम पे कोई, या जो पायलट या हमारे राशिद मिन्हास पे, या इन लोगों पे फिल्में नहीं है, तो नेशनल हीरोज जो है उन पे फिल्में कब बनेंगी? हाँ, अपना कल्चर कब, लाइक अपने मुल्क को कब ऊपर लाएंगे नक्शे पे? नहीं, मुझे ऐसा समझा, मुझे ऐसा लगा कि उन्होंने ये कहा कि हम पे ये चीज इम्पोज की जा रही है, स्पेशली व्हेन शी रेफर टू अर्तुगरुल एज़ वेल, कि जी ये भी उसमें शामिल है, अब हम पे क्यों इम्पोज किया जा रहा है। देखिए दो बातें, एक तो ये कि आपके हाथ में रिमोट है, आपको कुछ नहीं देखना, आप चेंज कर लें, हम सब कर लेते हैं, और ऐसा नहीं है कि हमारे हीरोज पे फिल्म नहीं बनी, लेकिन आपके हाथ में भी तो स्क्रॉल था, आपने क्यों लिखा, आप भी कर लेते, बिकॉज वही वाली बात है, हर्ट हुआ मैं, आप पे जिम्मेदारी आयद होती है, आपको बहुत लोग जानते हैं, इफ़त उमर को बहुत लोग जानते हैं, किसी तारुफ की मोहताज नहीं, अगर आप गलत हिस्ट्री कोट करेंगे तो फिर बड़ा मसला हो सकता है, कोई आए बाएं शाएं बोले इट डजंट मैटर, आप अक्सर चीजें इग्नोर भी कर देते हैं कि यार इसने बोला कोई सुनेगा भी नहीं, इट्स ऑल राइट, क्योंकि हर किसी को ठीक नहीं कर, लेकिन मैं आखिरी बात ये कहूंगा कि हमें मेरे ख्याल में लोगों की ओपिनियंस को एक्सेप्ट करना आ जाना चाहिए, आवाम को भी, बिल्कुल करना चाहिए, हम सबको भी, और इसके साथ ही हम एक और बात को एक्सेप्ट करेंगे कि ब्रेक बहुत जरूरी है, तो एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं और वापस आते हैं और मिलते हैं इन दोनों शाहकारों से, मिलते हैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद। अच्छा, एक सेगमेंट मैंने इंट्रोड्यूस कराने का, अरे भैया यार है तो पुराने ही नाम चेंज किया था। इसका नाम है अग सवाल से बम जवाब। मजेदार 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 मजेदार। वाह भाई वाह, अब पता लगा यासिर हुस कर रहे। तो इसमें मैं तेज तेज आपसे ऑप्शंस पूछूंगा, आपने बस एक ऑप्शन उठानी, ठीक है? ठीक है, अगर इंटरेस्टिंग चीज हुई तो हम उस पर बात भी कर लेंगे, ठीक है? ठीक है। सांप या नेवला? सांप। क्यों?
क्योंकि सांप सीढ़ी अच्छा गेम है। फहद मुस्तफा या फैसल कुरैशी? फैसल कुरैशी। यार आप फहद के साथ अभी शो कर रहे हैं? हाँ तो आपने बोला एक चूज करना है ना। हाँ, वजह फैसल कुरैशी इसलिए क्योंकि मेरी टीवी की सबसे पहली बड़ी चीज़ जो रजिस्टर हुई थी दावत सलाम जिंदगी, तो उसका क्रेडिट उनको जाता है कि उन्होंने मुझे कोई सालों बाद पहले इसी चैनल के एक मॉर्निंग शो पे एक सेगमेंट के लिए कुछ मिनट के लिए बुलाया था और उनको इतने सालों बाद मैं याद था, तो ये बहुत बड़ी बात है। तो चैंपियन है इसमें तो यार। हाँ नहीं वाकई कमाल। कैसा? माँ या बीवी? माँ। अरे तालियां। यही बात आप पहले चीख मार लें, ये बात आप बीवी से पूछ रहे तो वो भी माँ ही बोलेगी। हाँ नहीं 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 यार कवर अप नहीं करना इस सेगमेंट। ओके ओके नो कवर। बस जो हो गया माँ ये हो गया वो हो गया ठीक है। वजाहत रऊफ या नदीम बेग? वजाहत रऊफ। ये दोनों को नहीं जानता। ये तुमने जवाब दिया है यार। वजाहत भाई से अभी हमने शो किया तो इसलिए उनका नाम। पैसा या प्यार? प्यार। अए ओहो प्यार की ताकत कुछ और होती है। प्रोड्यूसर साहब इनको सिर्फ प्यार किया करें। भूल गए आप जिस फ्लोर पे बैठे। खाना या सोना? खाना। मतलब लेकिन सोते तो तुम उसकी तरह हो। खाना जरूरी है ना। खाओ खाता हूँ तो फिर नहीं लाती है ना। भौंकता नहीं है तुम। अच्छा भौंकने वाला कह रहे हैं हम तो सोते। मुझे लगा 40 दिन वाला कह रहे हैं। फिल्म या थिएटर? फिल्म। हाँ भाई फिल्म। अच्छा चलो। फैजी या बाइक? फैजी। फैजू फॉर श्योर। अच्छा हाँ क्योंकि पेट्रोल नहीं पीता। नहीं कोई तो मैं खून सीधा। दिल या दिमाग? दिल। सही है भाई। आपने दिमाग में कुछ और सोच गया। डिग्री या नॉलेज? क्या चीज? बिल्कुल अलग लोग निकल रहे हैं। डिग्री या नॉलेज? डिग्री या नॉलेज? हाँ नॉलेज। आपके पास ऐसे क्या है इनमें से? मैंने बीबीए के लास्ट सेमेस्टर में अपने आप को छोड़ दिया था। अपने आप मुझे लगा नॉलेज तो मेरे पास है, मुझे डिग्री की क्या जरूरत। बिल्कुल ऐसी मैंने कहा था ना। मैंने कहा था ये पेपर क्यों मुझे बताएगा कि मैं कितना लायक हूँ। और मेरी किताब भी आ रही है कितना लायक हूँ मैं इसमें। जवानी या बचपन? जवानी। नमकीन या मीठा? मीठा। नवाज शरीफ या जरदारी? दोनों नहीं। ये ऑप्शन नहीं है। अच्छा ऑप्शन नहीं है तो फिर जरदारी साहब। जरदारी साहब। सबा कमर या मायरा खान? मायरा खान। अहमद अली भट्ट या वासी चौधरी? अहमद अली भट्ट। नया डायरेक्टर या पुराना एक्टर? पुराना एक्टर। नया डायरेक्टर क्यों नहीं? अब मैंने इससे बोला कि मैं मेरा सवाल है। मैंने हाँ, हाँ, हाँ मैंने उसको ऐसे लिया कि मैं पुराने एक्टर से ज्यादा नॉलेज और एक्सपीरियंस और ये चीजें सीख सकता हूँ। हाँ, और नया एक्टर मुझे क्या सिखाएगा तो उसका करियर? नहीं नया डायरेक्टर जो है वो तो पढ़ पुढ़ के आया ना अभी। पढ़ पुढ़ के उसको क्या पता। यूनुस या वसीम अकरम? वसीम अकरम। कुत्ता या बिल्ली? कुत्ता। बिल्कुल। रोटी या चावल? रोटी। रोटी। तुम्हारा रोटी या चावल? चावल। बिकॉज आई लाइक सुशी। आई एम डिफेंस। आई एम डिफेंस। डिफेंस। चले गुड। अच्छा एक और है कि अगर आप फिल्म बनाए खुद जी। तो उसमें ये किरदार कौन लोग करेंगे? हीरो? फहद मुस्तफा। यासिर हुसैन। ओहो कैसा दोनों तरफ से बचा लिया। मैंने ये वाला बचाया इसने वो वाला बचाया। हीरोइन? हीरोइन होंगी उसके अंदर। देखिएगा बाद में कॉम्बो बनेगा ये। समझ के कीजिएगा। आई एम टेकिंग माय टाइम। हाँ नहीं इतना टाइम लेना भी नहीं है ना मगर उनके साथ मुझे ऐसा लगता है कि कोई लंबी सी एक्ट्रेस होनी चाहिए। लंबी सी एक्ट्रेस? हाँ मतलब थोड़ी लेंथ वाली। लेंथ वाली। मतलब तू डिग्री कर ही लेता पूरी। थोड़ा सा तो बेहतर हो यार। गलत फहमी में आगे बच्चे। मैं विशाद। हाँ आप इकरा जी। इकरा जी। माँ का रोल कौन करेगा? माँ अगर आप मुझसे फिल्म की बात करेंगे माँ का रोल तो परवीन अकबर। परवीन अकबर। एनी टाइम। बुशरा अंसारी। बुशरा अंसारी। बाप का रोल कौन करेगा? बाप का रोल नुमान एजाज। और कवि साहब? कवि साहब। अब फहद मुस्तफा का बाप बना रहे नुमान भाई। हाँ तो क्या हो गया वो फ्रेंड भी हो सकता। क्यों ऑफेंड हो सकते? कौन बाप या बेटा? भाई। भाई को किसको बनाएंगे? फहद मुस्तफा का भाई किसको बनाएंगे? मैं आपको बताऊं मैंने अभी थोड़े दिन पहले फहद भाई के भाई की एक तस्वीर देखी शायद उन्होंने शेयर की हुई थी। मैं उनके भाई को ही उनका भाई बनाऊं क्योंकि वो बिल्कुल फहद मुस्तफा लगते हैं। हां आदि को। अरे मौसूफ को। वाह भाभी उसी भाई की बेगम चल रही है। हां भाभी होंगी ये मुश्किल है। हां ये बताइए। उरूसा सिद्दीकी। उरूसा सिद्दीकी सही है। सब अपने दोस्तों को फिट कर रहा है इस फिल्म में। नहीं भाई के साथ यार। अच्छा विलन
विलन वो नैयर एजाज साहब, सलीम मिराज साहब। सलीम मिराज और म्यूजिक किससे कराएंगे? म्यूजिक म्यूजिशियन से। और ये वेरी गुड यार, तो फिल्म बनाने बच्चे थोड़ी हैं है? उसका नाम भी बताए ना, म्यूजिशियन का नाम बताओ। पता ही नहीं हो। अरे म्यूजिक डायरेक्टर का नाम बताओ। इतना नहीं का मैंने आगे मैं जुल्फी से कराऊंगा। जुल्फी, हाँ जुल्फी भाई, यार कॉपी नहीं करो अपनी फिल्म। मुझे लग रहा है ये लड़का फिल्म बना लेगा। तू रह जाएगा, नहीं करो अपना लाओ कोई। चलो जुल्फी भाई मैं आपको रीजन दे सकता हूँ। उन्होंने अभी वो बेसमेंट में उसका, बेसमेंट में नहीं, हाँ, का जो गाना बनाया है वो उनका बहुत कमबैक फील उन्होंने उस वीडियो के अंदर, उस म्यूजिक के अंदर दिया है। और उसके अंदर फराज अनवर को उन्होंने एक उस्ताद, एक नाम और एक शेर जैसी फीलिंग दी है उस वीडियो में भी, उस म्यूजिक में भी, जिसका मैं उनको सलूट करता हूँ कि वो नाम जो गुमा हुआ था उसको वो ले गया है। सलूट करता हूँ, ये स्टाइल है टीवी वाला ना। तो तुम फराज अनवर से नहीं करवा रहे, जुल्फी से करवा रहे? हाँ ना, जुल्फी भाई से करा। कह रहे थे इतना कमबैक किया तो उनसे करा ले। नहीं वो तो गाएंगे, ये डायरेक्ट करेंगे। ओ गाने का मैंने पूछा नहीं, ये कर दिया, गाने का मैंने पूछा नहीं। आप ओवर स्मार्ट चल रहे हो। अच्छा कुछ इल्जामात है मेरे, अल्लाह लोगों के लगाए। नहीं नहीं मैं, मेरी मजाल है, आप पे इल्जाम लगाऊंगा। फिर मेरा जिसने इल्जाम लगाया उसने पिक्चर या वीडियो भेजी है या सिर्फ मुंह लगाया, कोई तो सबूत होगा। नहीं नहीं अच्छा, फैजान पे इल्जाम है कि फैजान आपने अपने घर को एक बहुत बड़ी सी अलमारी बना दिया। ओए होए, ये किसी ने मुखबिरी किए? कपड़े और जूते हैं बस, ये मुखबिरी किए किसी ने? ये क्या ये सच है? बिल्कुल सच है, बल्कि अब तो मैं बहुत ज्यादा। कपड़े और जूते हैं आपके पास? कपड़ों का तो नहीं पता यार अंदाजा, लेकिन जूते आप 50 से ऊपर हो चुके हैं। 50 से ऊपर हो गए? हाँ। ये अलग अलग गिन रहे हो, ये जोड़ी गिन रहे हो? नहीं नहीं अलग अलग, मतलब 50 जोड़ियां जो पड़े और जो पड़ रहे हैं। 50 जोड़ियां, 100 जूते हो चुके? 100 जूते आराम से। माशाल्लाह, वो ये वो मुहावरा हो गया तुम्हें, 100 जूते मारे। हाँ बिल्कुल। अच्छा और गाड़ी को भी आपने अलमारी बना लिया? जी गाड़ी में भी 10-12 जूते तो रखे होते हैं। जूतों से क्या तुम्हें वो है यार? दो दफा शूट पे ये हुआ मेरे साथ कि मैं एडी ने बताना जरूरी नहीं समझा। हाँ। और मैं गया उन्होंने कहा फैजान वो ब्राउन जूते ले हैं। मैं कहा ब्राउन जूते तो नहीं तो बोले तुमने? अरे तो आपके पास तो होंगे। मैं कहा हैं लेकिन घर पे ना लेकर थोड़ी आया हूं सर। अब मैं गाड़ी में जो बेसिक वाइट ब्लू ब्लैक ब्राउन मौजूद होते हैं गाड़ी हर बार। कैसा? और दो क्रिकेट के भी होते हैं। कैसा? क्या होता भाई अपने भाई को आगे कर रहा हूं ना। बंदे ने तो अलमारी खरीद ही ली है ना, गाड़ी के पीछे लगा लिया। क्या वाकई? नहीं वो डाले को कह रहे। अच्छा अच्छा प्रोड्यूसर्स जो है कुछ कंफ्यूज थे अपनी चीज को लेकर। अच्छा। और हमने काफी चीजें उनको बोली भी कि इनको थोड़ा और बेहतर कर सकते हैं, लेकिन वो खुश थे जो चल रहा था। हमने उनका मैसेज करना चाहते हैं और बाद में उनके चैनल से कुछ प्रॉब्लम्स हुए जिसकी वजह से हमारी जैसे तो बिल्कुल बंद नहीं। चलो हाँ गलत इल्जाम होता गलत, गलत है, हाँ, वो शुरू हमारी वजह से हुआ था ये कोई नहीं बताता। बीवी से ज्यादा तैयार होते हैं? नहीं ये तो गलत बात है। गलत है? हाँ बीवी से ज्यादा कौन तैयार हो सकता है? मतलब माम ज्यादा तैयार होते हैं? हाँ एब्सोल्युटली, और होना भी चाहिए। फैमिली में अपने आप को बेस्ट एक्टर समझते हैं? सवाल ही पैदा नहीं होता। मैं तो खुद को एक्टर ही नहीं समझता, बेस्ट कहाँ से हो गया भाई? ये भी झूठ है, ये एब्सोल्युटली झूठ है। उधम पटक की जो पे मिली उसमें आपने पैसे मिला के बिजली का बिल भर लिया? ये सच? नहीं 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 भाई, बिजली का बिल भरा क्योंकि उसे पैसे नहीं मिला। नहीं नहीं ये गलत इल्जाम है। ये भी गलत इल्जाम? हाँ मतलब ठीक ठाक मोटी रकम मिली है? भाई मुनासिब भी मिली है, बहुत मोटी भी नहीं मिली। वही वाली बात है कि उन्होंने कहा कि यार मैं, मेरे पास ये बजट है, मैं आपके साथ काम करना चाहता हूँ। मैंने कहा बिस्मिल्लाह, कोई टेंशन नहीं। आंटी से अभी चमाट पड़ते हैं? हाँ एब्सोल्युटली, कभी भी पड़ सकता है, वाकई पड़ते हैं। अच्छा किसी को भी? किसी को भी। मैं बोलने वाला था, हो सकते हैं और मैं भी हो सकता हूं। मैं इसलिए नहीं हो सकता, उन्होंने मेरे 5,000 रुपए देने एक शर्त उनसे शर्त आ रही है। ओए याद है इसको, सामने लगी थी 5,000 मेरे सामने। हाँ लेकिन वो मार सकती है मुझे भी और इनफैक्ट इनको भी, बल्कि किसी को। अच्छा डायरेक्टर्स को शॉट बताते हैं? हाँ मैं बताता हूँ। हाँ नहीं, हाँ तुमने बोल दिया अभी। नहीं मैंने समझा आप कुछ और बोले। नहीं बिल्कुल भी नहीं। क्या वाकई नहीं बता? नहीं मैं शॉट नहीं बता, मैं सजेशन जरूर देता हूँ। सजेशन अगर मुझे लग रहा हो कि कोई चीज गलत हो रही है तो मैं कोशिश। ये वाला तो नहीं होता वो डायरेक्टर ने कैमरा किया, सर अगर इस कैमरे को यहाँ रख देना और क्लोज में रखे, नहीं लेंस अगर चेंज सवाल ही बदल, लाइट यहाँ ले। मैंने अभी मुजाहद भाई के साथ इतना लंबा काम किया, उनसे पूछिए मुजाहद भाई के साथ अच्छा खासा लंबा काम किया मैंने अभी, एक सवाल ही पैदा नहीं होता मैं उनको कुछ। मुजाहद भाई तो खुद की भी नहीं सुनते उनका तो। हाँ नहीं मैं वैसे भी नहीं बताता। अब अगर फर्ज करें आप कि डीओपी अगर लाइन क्रॉस करो उसको याद ना हो बेख्याली में, तो बताओ यार ये इधर से नहीं इधर से होगा। हाँ आप सही कह रहे हैं, ये हो जाता है मैक्सिमम। देख रहे हो तुम डीओपी को लड़का बता रहा है कि इधर से नहीं। हाँ कल का लड़का, कल का लौंडा। नहीं नहीं कल का, और अभी ये शो है नहीं तो मैं इसके बीच में भी एक चीज लगा। हम समझ गए। अच्छा आपके भी कुछ इल्जाम? अल्लाह खैर करे, मैं किसी की इज्जत ना खराब करे। नहीं नहीं बिल्कुल भी।
फैसल कुरैशी के वॉलेट से पैसे चुराते हैं। अरे उनका पैसे होते नहीं है, भाभी के तरले करते हैं, वो दे देना 500 यार वो मुझे डीजल डला। फैसल भाई के पास पैसे नहीं होते, पॉकेट मनी वाला सीन है, पॉकेट मनी वाला सीन है भाई उनका, जिसमें कहा जाता है 30% बचाने बुरे वक्तों के लिए। इतना क्यूट लगता है, सॉरी आपकी बात इंटरप्ट कर रहा हूँ, सब साथ खाना खाने जाते हैं ना, पुलिन करते हैं, तो फैसल भाई वॉलेट से बच्चों की तरह निकाल के ये 1000 रुपए मेरे। अच्छा हाँ पुलिन करते हैं प्रॉपरली, लेकिन ही इज वेरी हैप्पी विद, उनको बड़ा अच्छा। फैसल कुरैशी का सबसे अच्छा दोस्त कौन है? फैसल कुरैशी का नुमान इजाज भाई। इजाज भाई अबे यार ये सेकंड सवाल हुआ, सेकंड बेस्ट क्या होता है? बेस्ट तो बेस्ट होता है यार। ओह माय गॉड, ये भी किताब आ रही है बेस्ट टू बेस्ट। आप उसी में लिखो ना ये वाली बातें, नहीं इसमें जगह खत्म हो गई है, कुछ भी नहीं लिखने को, मैं बता रहा हूँ आपको। सिर्फ नाम है किताब, मैं कितना लाइक हूँ उसमें, मुझे लग रहा है अगले समय लिखो मैं तो न लाइक हूँ, मैं कितना लाइक हूँ फिर अगले पेज पे लिखा है बताओ। अच्छा एक इल्जाम आपके और है कि आप वीराने में जाके कुर्सी रख के अकेले बैठ जाते हैं। बिल्कुल ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा ही है। ये सच है? हाँ ये लोगों ने देखा आपको ऐसे? लोगों हाँ कुछ लोगों ने देखा है मुझे। अच्छा, कपड़े पहने होते हैं? कपड़े जब लोगों लोग ने आते हैं तो मैं लोगों ने, ये भी लोगों ने बताया। नहीं वो मैं ऐसी जगह बैठता हूँ कि अगर लोग आ रहे हो ना तो आधा किलोमीटर दूर से दिख जाते हैं, मैं जल्दी से पहन लेता हूँ, लेकिन हाँ बैठा होता हूँ। अच्छा कुछ दिन पहले आपको बहुत शदीद मोहब्बत हो गई थी किसी से? अरे मोहब्बत हर वक्त होती है, अभी मोहब्बत है। हाँ मैं सिंगल नहीं होता, मैं हमेशा रिलेशनशिप में होता हूँ, और जब भी होता हूँ बड़े प्यार मोहब्बत, लेकिन होता सिंगल हैंडेडली है। नहीं पिछले दिनों मैं सुना आपको बहुत शदीद हो गई थी। हाँ मैं शादी करने लगा था और शादी नहीं हुई थी, लेकिन अब इंशाल्लाह। वो आपने किसी सोशल मीडिया पे किसी को इंटरव्यू देते हुए बताया था? हाँ तो मैं आपको बता रहा हूँ, आंखों में आंसू आ गए थे। हाँ, और मैं देख रहा था मेरा तो, क्योंकि आप देखें ना आप किसी से मोहब्बत करते हैं और शादी करने लगे हैं और फॉर सम रीजन कोई इधर उधर की रीजन की वजह से ना हो शादी, तो दिल तो दुखता है आप, मतलब दिल अभी ताज़ा टूटा है आपका? टूटा नहीं, तो मैं कर ये बहुत बड़ी खबर है ये। अच्छा टूटता नहीं दिल इसका? टूटता नहीं है, मैं बोलता हूँ यार चलो ठीक है शायद यही होना था, दूसरी करते हैं। अच्छा आप पे एक और इल्जाम है कि आपने अपनी बाइक जो है जी जी उसका जो ड्यूटी नहीं भरी थी इसलिए आप कराची से बाहर नहीं निकालते? नहीं नहीं ऐसा तो नहीं, मैं तो पूरा पाकिस्तान घुमा अपनी बाइक के ऊपर, गलत ये नई बाइक पे, इस पे भी मैं पूरा पाकिस्तान घुमा। अभी मैं गंगा चोटी और लसदाना गया था। गंगा गंगा चोटी और लसदाना ऊपर कश्मीर में? कहाँ है ये जगह? कश्मीर में। कश्मीर में बाइक पे गए थे? बाइक पे गए थे। कितना टाइम लगा आपको? टाइम मतलब दिन लगे, टाइम तो नहीं लगा। अच्छा हाँ पेट्रोल आप ये पूछोगे क्या एवरेज देती है ये इतना नहीं पता। अच्छा सुना कि आप सीरियस कैरेक्टर से डरते हैं? नहीं मैं सीरियस कैरेक्टर से डरता नहीं हूँ, लेकिन मैंने एक सीरियल किया था, उस एक्सपीरियंस से डरता, मैं उस एक्सपीरियंस से डरता हूँ। उसका नाम था बेइंतहा। उस सेट पे जो माहौल था और फिर उसी सेट पे एक चीज भी हुई मेरे साथ, जिसके बाद मैंने कहा नहीं यार ये काम तो नहीं करना। हुआ भाई तुम्हारे साथ? मेरा एक बहुत बड़ा सीन था जो कि बिल्कुल होने से पहले वो एक सीनियर एक्ट्रेस ने काट दिया था बिल्कुल यूं यूं करके, बोला क्या जरूरत है इसको करने की। मैं बहुत दिन से उसका इंतजार कर रहा था कि वो होगा तो मजे का करूंगा, तो वो कट गया। फिर माहौल था कि वो इससे बात नहीं कर रहा, वो हेडफोन लगा के बैठा है, उसका मुंह उधर है उधर है, तो मैंने कहा यार ये काम तो नहीं करने, ये करने नहीं आया था मैं। अच्छा कैमरा शाय है आप? मैं ये जो कैमराज लगे इनका शाय नहीं हूँ, लेकिन अगर आप मुझे कमरे में कैमरा रखे दें तो मैं बहुत अजीब सा हो जाता हूँ। वो नहीं होता कि आप बनाते हैं वीडियो, किस किस्म की तुम लोग शेडी चीजों में हो? क्यों आपने कमरे में कैमरा रख के कुछ बोले? थैंक यू सो मच फॉर सेंडिंग मी दिस बनियान, वो वाली बात कर रहा हूँ। वो मुझसे बड़ा मैं ऑकवर्ड हो जाता हूँ करने में। ये बहुत अच्छा है। हाँ हाँ मैं तो प्रो हूँ उसमें। हाँ तो वो क्योंकि मेरी प्रैक्टिस में भी नहीं है और मुझे बड़ा अजीब लगता है, तो मैं उसके सामने शायद होता, लेकिन ये विद्य साम और लोग के ये सही है। हाँ ये सही। और वो उस पे कुछ है आगे फ्यूचर में कुछ करने का? मैंने मैंने बड़े कुछ कर रहे हो कि यार मैं इसको भी जरा बेहतर करूँ अपनी स्किल? हाँ मैंने उसको हाँ करना शुरू किया इन चीज़ों को। फैजान ने मुझे बहुत डांटा कि तुम ये काम क्यों नहीं करते और तुम्हें क्या मसला है ये एंडोर्समेंट करने से, तो मैंने अभी 2-3 की, तो मैंने आहिस्ते आहिस्ते शुरू किया। लेट्स सी विद टाइम। क्या एक्सपीरियंस था वो जब हमने इसको बोला? आधी एक्शन आधी क्या था यार? बिल्कुल मुझे बहुत अजीब बिल्कुल जैसे काम ही नहीं आता हो वैसे ही कर दो ना। एग्जैक्टली वो यूज टू नहीं हूं ना मैं, तो मुझे बड़ा अजीब सा लगा। मैंने अभी कहीं और भी एक जगह इंटरव्यू दिया, गॉगल्स लगा के किया था कि पता ना चले कि आगे कंफ्यूज हो रही है, तो वो हुआ। अभी मैं एक जगह डिजिटल शो के लिए मुझे बुलाया और उन्होंने कहा जी शो करना है, मैं वहां चला गया, तो मैंने उनको बोला अच्छा कैसे होगा कहाँ होगा क्या होगा, तो उन्होंने कहा बस इस सोफे पे आप बैठेंगे और ये 2 लाइटें लगाएंगे, हम बीच में कैमरा रख देंगे और शो हो जाएगा। हो भी गया। तो मैंने उनको नहीं मैंने नहीं किया, मैं उनको बोला देखिए मैं बहुत स्पॉइल्ड हुआ हूँ इस माहौल से, तो मेरा बड़ा मसला मैं ऐसे नहीं करता, तो मैं भाग जाता, लेकिन अब आहिस्ता आहिस्ता लेट्स सी व्हाट हैपेंस। अच्छा आखिरी इल्जाम ये कि आप सीनियर्स की इज्जत नहीं करते? मैं सीनियर्स क्या, मैं जितने भी लोग हैं दुनिया में उनसे बड़ा प्यार करता हूँ और सीनियर्स के लिए मेरी वैसी ही रिस्पेक्ट है, और मुझे बड़ा अच्छा लगता है अपनी एज से बड़े लोगों से दोस्ती करना। और उन्होंने जिन्होंने सीन काट दिया था वो
जिन्होंने सीन काट दिया था कौन थी वैसे? नाम अब तो बता दे यार, खैर हो गया। नहीं नहीं, बहुत टाइम हो गया आप तो वैसे भी मुंह फाड़ रहे हैं। उस ड्रामे में वही एक बड़ी थी, तो चार एक साल बड़ी होंगी यार, बता दो। बहुत बड़ी थी। इसमें क्या नहीं नहीं, अच्छी बात नहीं, ऐसी अच्छी बात नहीं है। उनको उनकी अच्छी चीज होती तो मैं आपको बताता, लेकिन बुरी चीज। हाँ, ये उनका उनके उनसे शायद उस वक्त गलती हो गई, या सही बात है, शायद उन्होंने सही सोचा होगा यार मैं पहली बार एक सीरियस एक्टिंग कर रहा हूँ और ये जितना चार पेज का सीन मुझे दे दिया है, तो शायद वो अपनी तरफ से सही हो, तो ठीक है। लेकिन उससे मुझे एक चीज़ मिल गई ना कि ये काम नहीं करना, इस माहौल में नहीं करना। आपके साथ हुआ कभी? नहीं, ऐसा तो नहीं हुआ कि किसी ने सीन काट दिया हो। हाँ। लेकिन हाँ, फिल्म के प्रोसेस में कभी कभी हो जाता है कि आप एक्स्ट्रा सीन्स किए हुए होते हैं आपने, और आप जब फाइनल कट देखते हैं तो वो सीन नहीं लगे हुए होते हैं। अफसोस होता है कि कब हुआ ये आपके साथ? ये मेरे साथ हुआ था, पर्ची में भी हुआ था और सीन काट दिए हीर मांझा में भी हुआ था, कि वो ड्यूरेशन बहुत हो गई थी। ड्यूरेशन तो एक ही प्रोड्यूसर की फिल्म है। हाँ बिल्कुल, और मुझे अफसोस इस बात का ये नहीं हुआ कि यार ये क्यों काट दिए उन्होंने, लेकिन मैंने कहा कि वो बेहतर सीन्स थे, उसके अलावा और कुछ चीज़ें कट सकती थी, ये मेरा पर्सनल वो था। लेकिन ड्यूरेशन को मैनेज करने के लिए करना पड़ता है, तो आई डोंट माइंड इट एज सच। हटाओ, गाना सुनेंगे, गाना सुनेंगे। आशिफ भाई को हम इतनी दूर से बुला के लाए हैं यार, आपने ये लियारी नदी में मछलियां पकड़ रहे थे और आपको पता है वहां है मुंह से मैंने देखा नहीं। आपको पता है मैं उस दिन मैं लियारी नदी गया था मछली पकड़ने, काशी भाई मिले फिर लाके बिठाए उनको। जी काशी भाई, काशी भाई मेरी आज ना अब हलाल मछलियां पकड़ने शुरू कर। काशी भाई आज क्योंकि हम ऐसा गेस्ट आए हैं जी जी, तो कोशिश करेगा कि बस ना गाएं और निकल। नहीं नहीं यार, लेकिन वैसे वैसे आप कुछ कहना चाहेंगे, इनसे कुछ पूछना चाहते हैं? सच सच, अरे कोई होशियारी नहीं, अगले शो में हम वहीं होंगे। अरे नहीं नहीं, मैं आपको अंदर की बात बता रहा हूँ। अच्छा, वो जो नीचे लिखा हुआ ना एक नाम, जी जी जी, असल में दो नाम, ये अब एक नाम होगा इसके बाद। हाँ, आदि फैजान के बीच में गैप खत्म कर दें। तब क्या सुना रहे हैं हमें? ये टू का टेबल। इतनी अच्छी दोस्ती है तो एक दोस्ती पे सॉन्ग। वाह, पगले। Thank you.
वेलकम बैक यार, वैसे एक बात बताऊं। जी जी। तुम लोगों के सामने ना मुझसे उतना अच्छा शो हो नहीं रहा जितना मुझे लग रहा था कि मैं करूं। माफ कर दे, इतना अच्छा क्यों? हम इतने बुरे? हाँ हम इतने बुरे। हाँ अच्छा, एक सवाल जो मैं पूछना चाहता था तुम लोगों से कि तुम लोगों के पास पैसे कब आए? पैसे? हाँ, ये कौन सा साल था? खराब। खुदा का शुक्र अदा करो, तुम्हारी गाड़ी मैंने देखा तुम्हारी पार्किंग से बाहर जा रही होती है। कमाए कब पैसे या क्या? आए कब पैसे? आए कब आए पैसे? बोलो ताकि आप मेरे पास पैसे आ गए। पहले पैसे या जब हमें लगा कि हाँ पैसे? अरे यार आप जाओ, मैं इससे बात कर लेता हूँ, इतनी लंबी करोगे तो शो खत्म हो जाएगा। भाई पैसे आए का क्या मतलब है? भाई होता है ना कि भाई मेरे पास जो है ना 1995 में मेरे पास पैसे आ गए तो फिर मैंने जिंदगी मेरी चेंज हो गई। मेरी जिंदगी चेंज हुई थी जब मैंने यहाँ से चौथा थिएटर प्ले किया था। मैं मेरे जहन में जुआ चका था, मैंने जब चौथा हाथ उठाया नहीं नहीं चौथा पांचवा थिएटर प्ले किया था तब मेरे पैसे आए थे। मैंने 80,000 रुपये। कौन सा था? साल वाल नहीं आती, नंबर इसमें अंदाजा आया, मतलब अंदाजा आज से कोई 4-7 साल पहले 7-8 साल पहले तब आपके पास पैसे आ गए थे? हाँ, मैंने 80,000 रुपए की गाड़ी ली थी। 80,000 रुपए की गाड़ी ली थी? मज़्दा 323। नहीं बेटे 8 साल पहले नहीं, आप मुझे 18 साल पुरानी बात सर उसकी आप हालत देखते तो आप 60 की भी ना लेते मुझसे। मैं आपको बताऊं उसमें क्या हुआ था, बड़ी मजे की बात है। वो हम रिहर्सल की, तो उसमें ना बहुत सारे डांसर्स थे, तो उन्होंने कहा हमें जाते हुए ड्रॉप कर दो बीच लग्जरी बताया। आप लोग डांसरों के साथ बहुत टॉप कर रहा था, फ्लेक्सिबल होते ना। अच्छा। तो मैंने कहा यार आ जाओ जाएगा। नहीं नहीं, तो मैंने उनको बोला आप आ जाए ना, मैं आपको छोड़ देता हूँ। अब वो ना पूरी फैमिली आ गई माशाल्लाह, कुछ 17 लोग थे वो भी। तो मैंने उनको बोला बैठे, आप यकीन नहीं करें वो बैठे, मेरे पीछे के दोनों टायर फट गए। और उस दिन मैंने रियलाइज किया उस गाड़ी में चारों अलग टायर लगे हुए थे। तो वो ऐसी गाड़ी थी लेकिन। तो वो आप समझते हैं उस वक्त आपके पैसे आ गए थे? हाँ, गाड़ी यार मतलब हम लिफ्टे ले लेके जाते थे रिहर्सल पे, एकदम से गाड़ी जैसी भी थी गाड़ी तो थी। तो उस वक्त आपके पास कब पैसे आए? 2008-09। ये एक ही साल में पैसे आपके पास? नहीं, ये तो 2008-09 तो नहीं बोला इसमें, इसलिए तो सन बताया नहीं। हाँ, ऐसे मैं जॉब करता था और उस जमाने में 2008-09 के हिसाब से मुझे 2 लाख रुपए मिलते थे। वाह, महीने के? 2 लाख रुपए। तभी उस वक्त मेरा दोस्त नहीं था, एक कॉल सेंटर का सुपरवाइजर था। आप चाहिए दो बंदे हैं? एक कॉल सेंटर में सुपरवाइजर था मैं। अच्छा, तो उस वक्त बहुत पैसे होते थे वाकई। वो अंग्रेजी कॉल जो होती है, अंग्रेजी कॉल गोरों को जो बेवकूफ नहीं बनाते। अच्छा, बेवकूफ ही बनाते हैं ना, उनको ये बता रहे होते हैं कि आपको ये कैलिफोर्निया से कॉल आई हुई है। नहीं नहीं, वो सेल्स नहीं करते थे हम लोग, हम कस्टमर सर्विसेज में थे जी। आपके पीजे में बोटा कम है, बोटी कम है बेटा, तो जब कॉल करते हैं तो अपनी बातों से बता रहा है कि शो किस वक्त हो रहा है भाई बड़ी। अच्छा, तुम्हें रात का तुम्हें मसला है आपको भी और वो टाइम हो चुका है। हमने जो फिल्म किया ना उसमें रात को सारी फिल्म शूट होती है, मुझे पता है। ये टाइम जैसे ही होता था ना तो आदि भाई आउट हो जाते थे, ये हो जाते हैं सारी। तो क्या है ये मसला रहा? आप तो इंडस्ट्री का काम ही सारा रात का है। नहीं नहीं, हम वाला नहीं कर रहे भाई, हम तो दिन दिन वाला कर रहे हैं। हम कश्मीरी है, हमें मगरिब से पहले घर जाना होता नहीं, हम तो दिन आपकी वादी में तो ये झीलें नदियां बहुत खूबसूरत है। जी जी, बहुत ज्यादा। आप लोग वहीं से हैं? मैं वहीं से हूँ। अच्छा, मैं हर जगह से हूँ वैसे तो। अच्छा, कैसे देखें आप मुझे कहाँ कहाँ से निकल रहा हूँ तो नहीं, मैं हम मैं मेरी रैम अटक रही है। नहीं, आप रैम नहीं डलती, आप मुझे रीस्टार्ट करो जरा भाई। एक दिन मुल्क में जब खराब हो ना उसको रीस्टार्ट कर लो। तो वाह, या विंडोज इंस्टॉल। आप वो वाला पुराना टीवी है जिसको दूर से जूती नहीं मारते तो चल पड़ता है जो बंदा खबरें पढ़ रहा होता वही होता है, सर इधर निकल और फिर पहले पहले थोड़ा जाता है तो वो ऐसे ऐसे ही वापस आता ऐसे ही है। नहीं तो अब रात का काम तो नहीं होता, मैं तो शोज ही कर रहा हूं। मतलब हाँ, रात का काम बंद हो गया क्योंकि पुलिस वुलिस जो है ना वो कहती है कि रात को शूट ना करें क्योंकि फिर शोर शराबा होता है, मोहल्ले वाले जो है वो कंप्लेन करते हैं। ओके। तो अब दिन में ही शूट होती है और मैं तो वैसे ही बहुत सारे शोज कर रहा हूँ, सारे दिन में होते हैं। अच्छा, दिन में ही है वो सारे? सारे शोज दिन में ही है। लाइटें दिन में जलाई होती है? हाँ, हमारा कुंडा लगा हुआ है ना चैनलों में, सारी लाइटें ऑन है घर में, आधी लाइट ऑन करके भी अम्मा डाल। कुंडे वुंडे अभी तक लग रहे हैं इलाकों में? बिजली का कुंडा? हाँ, कैसे? बिजली की बात हो रही है यार, मुझे लगा वो वाला ना गए
क्योंकि मुझे अबे सारी बातों में इतना सा शो निकलेगा क्या कर रहा है। अच्छा कुंडा हमने एक बार लगवाया था, कुंडा मुझे लगवाया नहीं था, लगाया था नहीं नहीं किसी बंदे को बुलाया था उसने लगाया था। अच्छा क्योंकि गलत काम अपने हाथ से नहीं करता भाई, हम साफ लोग हैं। हमारी भी एक जानने वाली है, उन्होंने वो एक एक्स्ट्रा तार लगाते हैं उसके अंदर, नहीं वो एक कार्ड एक्सरे फंसाते हैं क्या कुछ करते हैं उसके अंदर मीटर के अंदर। अच्छा तो वो बिजली वाले जब चेक करने के लिए आए तो खातून काफी बुजुर्ग थी, तो जब आए उन्होंने कहा अम्मा ये क्या किया हुआ है, ये तो चोरी हो रही है। तो वो उठ के आई और उन्हें ऐसे करके निकाला, किसी बच्चे ने फंसा दिया होगा और फेंक दिया। मेरे पता है वो मुझे इतना पता नहीं, लेकिन ना एक जमाने में कहते थे कि मैग्नेट जैसी ना कोई चीज लगा देते हैं उसमें ना जो अंदर डिस्क घूम रही होती है वो स्लो हो जाती। अब मेरा दोस्त है उसके घर के सारे एसी चल रहे, कहते बाहर आगे वो मीटर देख, मीटर को देखे तो डिस्क क्यों घूम रही है। मैंने कहा कितना मैग्नेट लगा दिया इसके अंदर, उसका भी आता था 30-40 रुपए टाइम ना, बहुत ना तो देखो वो डिस्क अब कितने शोज वगैरह कर रही है। मीटर से जब से बाहर आई है माशाल्लाह। मेरे कजन ने एक बार कुंडा लगाया था। अच्छा हाँ वहीं अटक गया फिर। आज तक चल रहा है कड़ा हुआ। प्लस में माइनस डाल दिया। लेकिन अब माशाल्लाह आप लोगों के हालात वो वाले नहीं रहे, जैसे मैंने आपकी एक तस्वीर देखी थी जिसमें आप दोनों किसी इंटरव्यू के लिए जा रहे थे सूट पहन के, बाबू बन के। हम दोनों दुबई जा रहे थे नौकरी करने। जी हमारे पास इंटरव्यू देने जा रहे थे, नौकरी करने जा रहे, हम नौकरी करने जा रहे थे, इंटरव्यू का था। तो ये नहीं था ख्याल कि यार हम एक दिन स्टार्स बन जाएंगे, नहीं क्योंकि हम लोग एक्टिंग तो कर रहे थे, स्टैंडिंग ओवेशंस भी मिल रही थी, पैसे नहीं मिल रहे थे, आखिरी तीन प्लेस से हमें पैसे नहीं मिले थे, पूरा साल हो गया था और हमें पैसे नहीं, एंड वी हैड नो मनी, वी लिटरली हैड नो मनी। तो और हमें जिंदा तो रहना था, तो हम दोनों ने डिसाइड किया कि आपके लिए तो बहुत जरूरी है पैसे। और मेरे लिए तो ज्यादा जिंदा रहना जरूरी है। ना वो वाली बातें भी हो रही थी कि क्योंकि बाकी लोग इन्होंने अच्छा एक कनाल का किचन बनाया, उसमें दो कमरे भी हैं। बिल्कुल तो बहुत जरूरी है पैसों का तो हिसाब। तो उस जमाने में वो वाली बातें भी हो रही थी कि भाई आपका बड़ा भाई अच्छा कर रहा है, छोटा भाई अच्छा कर रहा है, बहन अच्छा कर रही है, आप क्यों नहीं अच्छा कर रहे। तो वो एक प्रेशर भी फील होता है। और फिर साल भर हो गया मेहनत भी करते रहे, रिहर्सल्स लिफ्ट मांग के रिहर्सल पे जा रहे हैं, कभी पैदल जा रहे हैं, कभी किसी एक्टर से बोलने भाई तू इधर से गुजरा तो यहाँ उतार दे, फिर बाकी पैदल चले जाएंगे, इस तरह का काम हो रहा था बहुत सारा। लेकिन वो साल हो गया और फिर बहुत ज़्यादा जब फील होने लगा कि यार अब हम क्या करें, तो मेरे भाई ने मुझे बहुत डांटा, उसने कहा यार मैं यहाँ काम करता हूँ दुबई में, इधर आ जाओ तुम दोनों, और तुम्हें रहने सहने का मसला भी नहीं है, बिकॉज मैं रहता हूँ तो मेरे साथ रह लेना कुछ अरसे। तो हम दो इससे मैंने बात की, हम दोनों इंटरव्यू देने चले गए और वहाँ जो लोग आए थे उनके पास इतनी बड़ी बड़ी फाइल्स थी। हाँ। हम किस चीज़ की फाइल, मतलब वो अपना एक्सपीरियंस वगैरह शेयर, पूरे सब कुछ कहाँ कहाँ काम किया, हम लोग एक एक पेज की सीवी लेकर गए थे, एक ही जैसी से एक्सपीरियंस चेंज थी, प्रॉपर्टी सेल्स का काम था। तो वहाँ सिर्फ हमने इंटरव्यू दिया और शायद हमारे कॉन्फिडेंस की वजह से किसी वजह से हम दोनों ही पास हो गए। अच्छा। तो वहां से जब हम निकल रहे थे तो वो शीशा हमने देखा तो इत्तेफाक से हमने सूट पहने हुए थे, तो हमने कहा तस्वीर ले लेते हैं, वो हमने तस्वीर खींची, वो नौकरी भी मिल गई, हम जाने वाले भी थे। तो फिर शाह शरा भी लाए पाकिस्तान प्ले करने के लिए, उन्होंने भाई को हमने बताया तो उन्होंने पहले डांटा हाँ कि इतनी मायूसी अच्छी नहीं होती, शाह शरा भी ला रहे हैं, उनके एक प्ले में दो लड़के लीड पे हैं तो तुम वो ऑडिशन तो दो ना, और उन्होंने कहा था कि मुझे दो दोस्त चाहिए, ऐसे दो भाई या दो दोस्त चाहिए ताकि उनकी केमिस्ट्री आपस में हो। तो पहले हमने मना किया, हमने कहा हम नहीं कर सकते, उन्होंने कहा नहीं कोशिश जरूर करो, हमने ऑडिशन दिया, फिर उन्होंने कहा नहीं अच्छा याद है, आपने कहा था फैसल कुरैशी और एजाज असलम को चांस दे, अच्छे दोस्त हैं दोनों, एक्टर भी अच्छे हैं, एक्टर भी बहुत अच्छे हैं। हम वहां गए और हम आपको ना हमने ऑडिशन दिया, वो अच्छा हो गया। उसके बाद हमने उनसे पैसे मांगे, तो हमेशा शाह रबील ने कहा यार लोग मुझे पैसे देते हैं काम करने के लिए, तो मतलब कैसे ऐसे पैसे कैसे मांगे, हमने पहले दिन एडवांस दे, पहले दिन क्या हमें एडवांस देंगे तो हम रिहर्सल जाएंगे, और पैसे नहीं है। तो उनको बहुत बुरा लगा और उन्होंने फिर हमें अगले दिन अपने रूम में बुलाया और बिठाया और बोला कागज पकड़ो और हमसे लिखवाया कि मैं ये वो अगर तुम्हें पूरे पैसे दे दूंगा तो तुम दोनों इस दुनिया के सबसे बड़े लोगो। हाँ। ये हमसे लिखवाया, साइन कराया और हमें 50,000 अगर हमने किसी वजह से छोड़ा हाँ, प्ले हाँ, तो हम 10-10 लाख रुपए वापस करेंगे। तो ये हमने साइन किया, हमें 50,000 पूरे पेपर पे साइन कराया, हम लोग बोले अरे करो कुछ नहीं होता। फिर हमने रिहर्सल की उसकी, वो रिहर्सल की वो प्ले, वो प्ले बहुत अच्छा हुआ। उस प्ले के आखिरी दिनों में ARY की टीम आई भी थी, उन्होंने हमें देखा, फिर उन्होंने हमें वहां से बुला के हायर किया और फिर इस तरह टीवी माशाल्लाह कितने आसानी से आप लोग अपने किसी भी सवाल को अपने स्ट्रगल से जोड़ के एंड में हैप्पीली एवर आफ्टर कर लेते हैं। गेस्ट है ना, कहीं से लगे नहीं, कमाल होता है, कहीं से घुमा के ले जाता है, कहीं से भी, कहीं से भी। अच्छा जोड़ियों में आप ज्यादा काम करते दोनों? हाँ आपने काफी अरसे जोड़ी में, आज जैसे आदि फैजान मशहूर जी जी, आपसे पहले बहुत सारी जोड़ियां हमारे यहाँ मशहूर रही है, सोल्जर साहब की जी बिल्कुल,
जोड़ी थी, और उसके अलावा क्या नाम है, अलन नन्ना साहब, अलन नन्ना साहब की बिल्कुल जोड़ी थी, अभी असफर मानी की जोड़ी, बिल्कुल बिल्कुल। तो अब उसमें कुछ मसला नहीं होता कि यार ये बरकत उज़्मी की जैसे जोड़ी है, क्योंकि कभी कोई इस तरह का इशू नहीं आया आपस में कि यार ये मैंने ये बोलना था या आइटम नहीं। अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि इतने सालों में एक सेकंड के लिए भी ऐसा नहीं हुआ कि यार इतने सालों में काम ही नहीं मिला, मसला तो आपस में किए जा रहे हैं। तो नहीं, कभी ऐसा एक सेकंड के लिए भी नहीं हुआ कि यार ये तुमने क्यों कर दिया, या ये तुमने मुझे क्या बोल दिया, या यूं क्या कर दिया, ऐसी कोई बात ही नहीं हुई। इस शो का भी फॉर्मेट मैं आपको बताऊं कि फैजान आता है, शो शुरू करता है, ये कोई बैठ के डिस्कस नहीं हुआ था कि भाई तुम जाना, तुम ये करना, या उसने कहा मैं जाऊंगा और मैं करूंगा, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। ये बस मगर वो बड़ा अच्छा मुझे लगता है, वो जब शो शुरू करके आपको बुलाता है क्राइम पार्टनर या बेटर हाफ या कुछ भी क्या के, तो बड़ा देखने एज अ व्यूअर बड़ा। और यासर इंटरेस्टिंग पार्ट हमारी जोड़ी का ये, एक तो हम एक अपने आपको जोड़ी कंसिडर नहीं करते, दूसरी कि हम कभी भी एक दूसरे को प्रमोट नहीं करते काम के हवाले से। अगर मैं किसी मीटिंग में, मैंने कई दफा आपसे कहा कि आदि को भी ले आपके तो नहीं हटाओ। हाँ मुझे पता है, मैं आपको बताऊँ, मैं भी ऑकवर्ड, मैं आपको सच बताऊँ, अगर कभी ऐसी डिस्कशन चल रहा होता है तो मैं फैजान का नाम नहीं लेता इस डर से कि कहीं सामने वाला ये ना सोचे अच्छा ये तो कहेगा ना। तो मुझे अपनों का नाम लेने में बहुत डर लगता है कि यार ये कहीं वाले ये ना सोच रहे अच्छा इसके जानने वाले, तो मैं हमेशा वो वाले ऑप्शंस देता हूँ जिनको मैं जानता ही नहीं हूँ। मजेदार 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 मजेदार। अच्छा आप लोगों की कुछ तस्वीरें मैंने सोशल मीडिया से देखी है, सोशल मीडिया से देखी है, मैं चाहता हूँ कि हम वो देखें और आपसे पूछें कि ये क्या सोच रहे थे उस वक्त जब ये लगाने की जरूरत आई थी। अल्लाह खैर करे आप लोगों को। ओए होए होए माशाल्लाह, ये पर्दा तो अब इस दुनिया में नहीं रहा भाई, दस्तरखान दस्तरखान और ये पर्दा तो अब इस दुनिया में नहीं है, लेकिन ये रॉयल कलर जो आपने पर्पल पहना है जी सर, आदि को तो नजर नहीं आ रहा होगा मेरे भाई, आप बिल्कुल बैंगन जैसा कलर है ये, और प्यारे भी आप लग रहे हैं, लेकिन ये इतना बन ठन के और इतना इतना फेक आपने जो कैंडिड तस्वीर खिंचवाई है, तो ये क्या सोच रहे थे उस वक्त, ये क्या प्रमोशनल थी तस्वीर? नहीं, ये बेसिकली मेरे साले का निकाह था, और था भी दिन में, और बड़ी एक जबरदस्त जगह थी ये अस्करी फोर में, जो मस्जिद है जो थोड़ा ऊपर होकर बड़ी अच्छी लगती है, तो वहां मैंने कहा चलो एक पिक्चर ही खिंचवा लेते हैं यार, बस ये सीन था। नेक्स्ट दिखाई ये माशाल्लाह कैसा कड़ा चोंच वाला, कैमरे की चीख नहीं निकली इतना करीब आया जब वो नहीं असल में दूर ही हूँ। अच्छा ये मुंह आ गया है ये इसके आगे विंडस्क्रीन और ये जो चश्मा है जी जी जी, ये मुझे बड़ा मसला है, मैं बड़े चश्मे पहनता हूँ, मुझे छोटे फ्रेम नहीं। वेल्डिंग मशीन अपनी है या रेंट करते हो? अपनी नहीं, दादा की एक है। अच्छा। दादा की आखिरी निशानी, तो इसलिए पहनता हूँ ये। अच्छे अच्छे लग रहे हैं, बहुत अच्छे लग रहे हैं। नेक्स्ट करें प्लीज। आए वाह कैसा, आप बताओ आपने मुझ पे डाल दिया यार, आप खुद बताओ ये, आप बताओ नहीं ये हम उसे देख ही नहीं रहे, हल्की सी मेरी नजर पड़ी है उस पे, मैं देखूंगा नहीं, तुम बताओ मुझे। मुझे शर्म आ रही है क्या, ये सोच ऐसे नहीं चल रही यार, पता नहीं मैंने किया भी नहीं था, देखो इल्जाम लगा दिया। अच्छा मैं आपको मजे की बात बताता हूँ, मैं ये तस्वीरें क्यों खिंचवाता हूँ, क्यों आपने देखा होगा अक्सर जब कंटिन्यूटी की पिक्चर ली जाती है तो आप पता नहीं किन हालों में होते हो, वो आके क्लिक करके चले जाते हैं। ये मेरी तो कंटिन्यूटी की सारी तस्वीरें ऐसी हैं, ऐसी होती है ना। हाँ तो वो एडी आया, उसने कहा फैजान भी शर्ट की तस्वीर लेनी है कंटिन्यूटी की। मैंने कहा जब तस्वीर ले ही रहा है तो मरे अच्छी ले ले यार। तो फिर उसने ये पिक्चर ली, मैं कहा तूने तो अच्छा, ये उसने अच्छी ली कंटिन्यूटी की तस्वीर अपनी तरफ से, उसने कहा कि ये अच्छी अच्छी ली और तुमने लगाई भी, और क्या मैं कहा लगा तो फौरन। तस्वीर लगा रहे होते हैं वो एक मोमेंट होता है ना, आप फैसला करते हैं यार मेरे ख्याल में ये तस्वीर बेस्ट है, ऐसी है मेरे साथ भी ऐसी है। नेक्स्ट करें जी। ओए होए माशाल्लाह। अच्छा ये जो आपने सूट पहना है इसमें लाइटें लगी हुई हैं? नहीं नहीं ये वो है, सारा वो का ग्लो करती है, ये वो वाली है। हाँ अच्छा तो ये भाई फैशन शो की तस्वीर है ये। हाँ जी इसी शो की तस्वीर है, सीजन वन की, सीजन वन की पुरानी तस्वीर है, पुरानी तस्वीर है। ओके नेक्स्ट करें जी। अरे अरे यार ये तो बहुत ही कसाई होता था। नहीं नहीं ये तो बहुत ही तकलीफ देह तस्वीर है मेरे लिए, बिकॉज मैं ये कोविड के दरमियान की तस्वीर है। ओहो और लग रहा है मुझे लगा कोई कैरेक्टर है या तो नहीं नहीं, नहीं ये कोविड में मेरा जो और स्पेसिफिकली उस पे कोई बात करेंगे इन दिनों के आगे पीछे जो हालात थे ना वो बहुत काफी टफ हालात थे मेरे भाई, बहुत परेशान था। तो मुझे भी कोविड हुआ था, मुझे अंदाजा है कि क्या वेरी डिफिकल्ट, लेकिन हां लेकिन रहम करें, लेकिन पिक्चर होनी चाहिए। मुझे हुआ था बैरे टाउन में आए हुए जी जी बिल्कुल, आपकी सोच है दो तीन दफा आया, मैं तो घर पे नहीं था, फिर बाहर पकड़ा वो मुझे मिल गया, फिर बाहर पकड़ा उसने। नेक्स्ट करें जी। नेक्स्ट वाह वाह जी वाह कैसा ये शो, मैंने कहा था ना ये वहां भी मशहूर है। हाँ चुन के तस्वीरें निकाली जिसने भी निकाली है ना ये सर,
फिदवी ने निकाली। अरे क्या बात है, ये फैजान के घर की छत है। हाँ अच्छा। बिल्कुल आदि भाई आप पहुंच गए, वेल डन। प्रॉपर्टी डीलर, मैंने लोकेशन नहीं पूछी तुमसे, तस्वीर पे बात करो कर। हाँ। ये आदि के घर की छत है। एक, इसके बाद तसल्ली से ऐसे भी बैठ जाते हैं कॉन्कर करने के बाद। हाँ। पीछे बैठ के बोलता जी इसकी ऑफरें आ रही हैं देख ले। ये एक बहुत जबरदस्त बंदा है जो जैकेट्स बनाता है और उसने ये कस्टमाइज जैकेट मेरे लिए बनाई थी। नाम ले दो, कोई बुरी बात मुझे याद नहीं है ना। और बोलो यार, जो भी ये जैकेट्स बनाते हैं, शो देख रहे हैं, मुझे जरूर कांटेक्ट करें। हाँ, तो उन्होंने ये बड़ी अच्छी जैकेट बना के दी थी। जैकेट है ये। और तो मैंने कहा कि यार बनता है इसको दिखाना, मुंह नजर आए नहीं आए जैकेट दिखाना। हाँ, मैंने कहा शक्ल दिखे ना दिखे, उस बंदे ने मेहनत बड़ी की है। आगे से फटी हुई थी ये जैकेट? नहीं नहीं आगे थी नहीं, बस ये पीछे लगा दिया। ये नई भी है, टी शर्ट में लगी हुई है, सुपरमैन वाला पीछे दुपट्टा नहीं होता। हाँ। ये वो था, टी शर्ट में लगी हुई है असल में। ये जरा सा हाथ इसका इधर होता ना, ये करके गिरता था। बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल करेक्ट करेक्ट। आगे करे, ये तस्वीर है, इस पे मैं चाहूंगा फैसान, आप बताए मुझे इसके बारे में। अच्छा, इसमें मैं पहली बात ये बताना चाहता हूँ, मेरे पास भी कोट्स हैं। नहीं नहीं, कोट्स ना, सिर्फ कोट्स हैं आपके पास, हाथ भी हैं जो कि बिल्कुल सीधे हैं। एक हाथ पॉकेट में, इस पे धार लगवा लो, इसे काट लिया। ये हाथ पॉकेट में कहा है भाई? ये तस्वीर नहीं, वाला हाथ सिर्फ अंगूठा पॉकेट में डाला। अंगूठे ज्यादा जगह नहीं थी जींस में। अच्छा, तो ये हर लम्हा पुरजोश की तस्वीर। अच्छा, मैं आए दिन आदि के जो फैशन सेंस है उसको बेहतर करने की कोशिश करता हूँ, और इसकी अच्छी बात यह कि आप सुनता भी, लेकिन इसका अपना एक स्टाइल है। हाँ, नहीं वो है। तो ये और भाई बिल्कुल कलर से बिल्कुल फारिग है, तो फिर भी ये कहता है कि मैं चीजें इंप्रूव करता हूँ। वाकई इसने हर लम्हा पुरजोश में जो चीजें पहनी है वो बरक्स है इसके टेस्ट के, लेकिन वो अच्छी लगती है इसको, तो उसको मोर पहननी चाहिए। तो ये शो की तस्वीर है। यस, आदि लेकिन क्यूट इतना, इस पे हर चीज absolutely जच जाती है। आदि आप कमाल है, आप आओगे, आप अब निकलो। आपका हो गया, आपका हो गया, नेक्स्ट नेक्स्ट कीजिएगा। यस हेलो, ये देखिए आप, समझ आए, नेगेटिव कैरेक्टर इज आल्सो देयर। ये देखा आपने, ये शर्ट वही है, कोट की बात कर रहे थे। ये वाला चाहिए, ये आपका है। ओके यार, आप लोग को क्या पता पोजेस का, और हम तो मीडिया से है ना। अच्छा, मैं तो मीडिया से हूँ, मैं सियालकोट से हूँ। इसमें क्या बुरी बात है, उसमें मेरा वहाँ अपना फुटबॉल का काम है। लेकिन आप देखें नूर, देखें नूर इसी तस्वीर में नहीं है। नूर अब किसी तस्वीर में नहीं है, लेकिन आप मुझे बताएं तस्वीर से बाहर है। ये एक्सप्रेशन क्या है, इसमें क्या बताना चाह रहे हैं? ये मैं आपको लिख के बता सकता हूँ कि ये मैं कहीं खड़ा बात, ऐसा लग रहा है कि फिटिंग गलत बन गई, तो आप उसको कह रहे चेक कर रहे हैं तुमने। हाँ, ये क्या किया? मुझे लगता है ये वो है कि एकदम से नहीं कहते सर, इधर देखिएगा, ये वो वाली तस्वीर, ये एकदम से तो नहीं है। नहीं, ये एकदम से बस कर दे। मुझे तो लग रहा है काफी देर, बल्कि वो आवाज भी वो बिजी हो गया था लेंस सही करने में, तो आप कहते हैं यार जल्दी करो ना। हाँ, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये वही है, वही है। नेक्स्ट कीजिएगा। ये उंगलियों का ये अंदाज, लाइटिंग, उंगलियों का कौन सा अंदाज? अच्छा, ये मंटो साहब से वीडियो कॉल कर रहे वो है, ऐसे है इधर हाथ। ये जब बिल्कुल नए नए फोटोशूट कराते थे ना लड़के, जब बिल्कुल नए नए आते थे, इसके बहुत सारी तस्वीरें ना वो वाली है। हाँ, सोचने वाली, ये फिल्मी आदमी है, फिल्मी आदमी। हाँ, नहीं फिल्मी आदमी, वो अलग बात है, सीन कट जाते हैं फिल्मों में से। नेक्स्ट कीजिएगा सर, लास्ट तस्वीर है ये, जीतो पाकिस्तान। हाँ, अभी तो हमें ही पता है। नहीं नहीं, हमें और लग कैसा रहा भाई आपका, लोकेशन है, क्यों बता रहे हो? बता रहा है मैं, I was going down the memory मैं ही जानना चाहता हूँ तूने क्या पहना हुआ है। हाँ, जैकेट जींस। अरे वाह, ये बड़ी बात है, पहना हुआ है, बॉडी पेंट है। अरे हाँ, नहीं, में वो स्क्रीन भी से कटी हुई ऐसी लग रही है, वो जैकेट ऐसे खुली हुई पहनी हुई मैंने। नहीं नहीं, ठीक है भाई, क्या है, माफी मांग रहे हैं क्या सर? क्या? मुझे जब भी कोई मेरी तारीफ करे या ऑडियंस ताली बजाती है, मुझे बड़ा डर लगता है, तो मैं अल्लाह मियां से उसी वक्त माफी मांग लेता हूँ और ऑडियंस को बोलता हूँ कि बस करते हैं। बहुत से लोग कहते हैं जी ये तो ट्रोलिंग होती है, ये तो हिंदुओं का रिवाज है, आप नमस्ते करते हैं। पूरा सिंध, इंटीरियर सिंध, लोगों को नहीं पता था, लोग तो लिख देते हैं मेरी ये क्या हाथ जोड़ रहे हैं, ये तो हमारी कल्चर, ये हाथ जोड़ रहे हैं, ये नमस्ते कर रहे हैं, मुझे बहुत डर लगता है, तो मैं अल्लाह मियां से उसी वक्त फौरन माफी मांग लेता हूं, अल्लाह मियां मुझे माफ कर देना, और लोगों को कहता हूं कि बस। मैं खुद आपके लिए कई दफा मैंने माफी मांगी, मैंने भी आपके लिए माफी मांगी, इसके लिए माफ कर, इसे माफ कर, मैंने आपके लिए माफी मांगी थी, उसने खत्म हो गई थी, को बेशक जला दे, इसको माफ कर, माफ कर दे, क्योंकि ये बच्चा मासूम है, इसकी तस्वीरों से भी ये जाहिर हो रहा है। ये तस्वीर है जी, मजेदार शो की। अच्छा, और इसमें हम दोनों, ये भी एक दमकता सितारा है। अच्छा, एक गेम है हमारे पास, लाएं आप लूडो, लेकिन वो खेलेंगे तो टाइम ज्यादा हो जाएगा। अच्छा, तो उससे बेहतर है कि हम ताश खेलने पैसे लगाते हैं, लेकिन उस पे ये है कि वो कट सकता है और उसमें ताश भी लगेगा, इसलिए हम एक नई गेम खेलते हैं जिसका नाम है, काशी भाई आप बताएंगे, आधा घंटा लेंगे, और काशी भाई ने चश्मा ऐसे पहना है जैसे मैं कहीं से पढ़ के बताऊंगा। हम ले रहे हैं एक ब्रेक, ये भी एक अच्छी गेम है, और इस ब्रेक के बाद हम जब वापस आते हैं तो हमारे पास बाकी एक बड़ी अच्छी गेम है, तो जाइए एक ब्रेक पे और वापस आइए मजेदार शो में।
गेम की तरफ चलते हैं तरफ हाँ उस तरफ चल के खेले खेलेंगे नहीं यहीं बैठेंगे बैठो जी उधर खेलेंगे अच्छा गेम है हमारे पास डमशराज मजेदार 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 इसमें होता ये है कि एक बंदा जो है वो नाम बताएगा दूसरे को किसका नाम भला किसी का फिल्म का फिल्म ले फिल्म वो फिल्म का नाम जो है फिर वो मैं सिर्फ आवाम को बताने की कोशिश कर रहा हूँ लेकिन आपने सब बर्बाद कर दिया मेरा सेगमेंट में देख रहा हूँ अपनी नींद के चक्कर में आपने दमशराडे हाँ दमशराडे हाँ दमशराडे खेलेंगे हम तो पहले कौन किसको नाम बताएगा और कौन बूझेगा ये मैं जानना चाहता हूँ दो लोग यहाँ होंगे वो बूझ लेंगे एक बंदा हाँ, ऐसा करेंगे ना तो मेरे ख्याल में आप इनको नाम देगा कौन इनको तो यही तो मैं कह रहा हूँ मेरे ख्याल में मैं इनको नाम देता हूँ और ये है? ऐसा कर लें आपका गेम खराब आप इनको नाम दें ये मुझे गेस करवाएं हाँ ठीक है तो मैं नाम यहाँ लिख के दे दूँ यार आप हमारा शो अड़पना चाहते हो आपको नहीं जान मेरी मैं बूझूंगा नहीं ना बूझेगा ये आप लिखो ना उस पर लिखो मैं आगे बढ़ूंगा यहाँ करूंगा हाँ देखा यार यहाँ नहीं करना यार यहाँ तो देखो ये गलत बात है अच्छा देखो यहाँ सुबह मॉर्निंग शो भी होना है हाँ। यहाँ नहीं करना चलो क्या कर रहा है मुंह से नहीं बोलना मुंह से नहीं बोलना इंग्लिश है कि इंडियन है क्या है भाई इंडियन इंडियन कहाँ से आ गया अरे मुंह से नहीं बोलना मुंह से थोड़ी बोलना इंडियन इंडियन कहाँ से ये कहाँ से बोल रहे ये क्या पाकिस्तान कैसे बना हुआ मैं क्या मतलब है यार बता तो दिया यार ये देखो ये उर्दू है ये इंग्लिश अच्छा ठीक है उर्दू हाँ माचिस आग लगाई तीली पटाखा हाँ उधम पटक थैंक यू ठीक है ऐसे तो बाप बाप होता है फिर बाप बाप होता है मामा होती है भाई भाई बहन बहन कजन्स कजन्स सब अपनी अपनी जगह ले आओ सबको पिकनिक पे चलते हैं यार ये क्या था ये कैसे हुआ ये इसीलिए इसको दोस्ती कहते हैं ना और इसीलिए इसको दोस्ती कहते हैं ये जला के फेंका पटाखा पटाखा तो उधम पटक हाँ यासिर हुसैन वी हैव ब्लोन योर माइंड्स अवे रियली या अब ये ऐसा ना हो गया ऐसा ना हो मेरी बारी में ईरानियन आजे मेरे पास आए ईरानियन फिल्म डॉक्टर साहब बताइए पेट में दर्द होता है ईरानियन फिल्म ना दे पहला अपना पीछे कोट ठीक है जी जी ये सुबह तो वैसा खैर खुला दे पैर फिल्म का नाम है तेरे डैश पाकिस्तानी फिल्म है दो वर्ड्स हैं दोनों वर्ड एक ही हैं मिले में दो अक्सर दूसरा वर्ड बता रहा हूँ शुक्रिया आपका मौला जट जट एंड बॉन्ड जट पहला वर्ड जट है हाँ नहीं दूसरा वर्ड जट है अच्छा हाँ हाँ पागल चरिया क्रेजी गुजर गया क्रेजी सट आया वो क्रेजी का इंग्लिश क्रेजी का उर्दू चरिया पागल दीवाना चरिया जट वकार यूनस वकार जट वकार वक वक जट यू नस यू जट पूरा नाम बोल दिया क्या है वक हाँ वक जट वक का जट कर रहा है वक्त वक्त सही है वक्त हमारा है वक्त गर्ल वक्त गर्ल लड़की लड़की क्या वक्त गर्ल नहीं आप स्पेलिंग गलत डाल रहे हो लड़की इंग्लिश इंग्लिश लड़की इंग्लिश दादा गर्ल वुमन वुमन ओ माय गॉड आंटी व्हाट इज हैपनिंग इंग्लिश है ना यार हाँ ची चीजट वेला भूल गया जट की ची वाशी हाँ वाशी जट वैशी जट ये कौन सी फिल्म है वैशी जट अरे कौन सी फिल्म है वैशी जट क्या मतलब है ये कौन सी फिल्म है वैशी जट ये मुझसे 1975 की मूवी है ये हाँ ये किसने लिखी थी वो था यार ये मुझसे पूछ रहे कौन सी फिल्म है मेरे वचन में बताया उन्होंने था मुझे ओके मैं ओके ओके कंफर्म हां फैसल भाई की तो बचपन की फिल्म थी डॉक्टर साहब रात को जरा मतली होती है मुझे किसको आप फिर रात को आओ पिछली बार रात को आए तो उसी वजह से तो मतली हो रही जी जी ठीक है इंजेक्शन नहीं लगवाऊंगा हैं फिर क्या फायदा मतलब फिर फायदा नहीं होगा आपको अच्छा अच्छा वैसी जट यार हद हो गई कहां से घुमा के लाए वकार यूनुस से
ये फिल्म है नहीं ये खाला है ये क्या बात की तुमने यार? हाँ, बेस्ट ये फिल्म नहीं है, फिल्म है। अच्छा, ये बोल रहा हूँ फिल्म है यार, आप मेरे पे ट्रस्ट नहीं कर रहे हो ना। कितने वर्ड? कितने वर्ड? एक वर्ड? ओ क्या, आधा ग्लास इंग्लिश में, आधा ग्लास। बेस्ट ऑफ लक। अरे यार, व्हाट ए परफॉर्मेंस, थम्स अप। करना कि नहीं करना? अच्छा अच्छा, उर्दू? हाँ हाँ, उर्दू एक वर्ड। हाँ, अल्लाह खैर, अल्लाह खैर, लो बुझ लिया उसने। यार हाँ, सुन रहा हूँ भाई, करो। हाँ, रास्ता, दरवाजा। हाँ, दरवाजा अंदर चला गया। हाँ, इनसाइड। हाँ, इन। हाँ, मुंह देख रहा हूँ तुम्हारा। ये तुमने क्या किया? ये नहीं, लिख रहे थे वो। हाँ ठीक है, ये सही हो गया। हाथी का इंसान? नहीं, इन इन। हाँ, आदि कैमरे देख रहे हैं, कैमरे की आंख तुम्हें देख रही है, कोई चीज खाना नहीं। इन तीन हिस्सों में बताओगे? पहला था इन, तीसरा बता रहे हो? ठीक है, डर लग रहा है। दिल? अरे मुझसे नहीं बोलो, दिल बंद करो आदि। हाँ आदि, बस मुंह यूं ही रखो प्लीज। दिल प्यारे लग रहे हो ना यार, कर लो। दिल, मन। हाँ मन। हाँ नहीं, इन मन। इन मन क्या? इन मन बाल। अच्छा, दूसरा दूसरा। अब बहुत गरीब हो क्या? अच्छा, ये भी तुम बोल रहे हो बहुत गरीब हो। अच्छा, बोलना नहीं चाहता यार, नहीं करो। हाँ, बाल, जड़, बाल तोड़ दिए, बाल लीक, जू। हाँ, इन जू मन, अंजुमन। गंदी बातें बहुत हुई ये क्या हुआ? वेरी गुड यार, वैसे मुश्किल था ये। अंजुमन। हाँ, अगर आप सिर्फ ये गंडासा रहे खड़े होते ना, ये और दिखाते कि लड़की आज तो वो चल लेता, वही थी बस वो। तो मेरी खाला थोड़ी अंजुमन, मुझे क्या पता? याद है कि उन्होंने बताया भी था कि ये खाला है, मुझे नहीं पता अंजुमन का। मैंने लेकिन करा दिया ना भाई आपको। दूसरा क्या था कि आपने? डॉक्टर साहब मैं लगवा लूंगा इंजेक्शन। आपको पता है मेरी वालदा ने 1992 में कोफ्ते जला दिए थे। माशाल्लाह। अच्छा जी चलें, ये बहुत रेयर है कि कोफ्ते जल जाएं, क्योंकि 1992 में गैस ही नहीं थी जी। तीन वर्ड्स हैं, उर्दू ये, दूसरा वर्ड चूल्हा। चूल्हा? ये चूल्हा है? चूल्हा। इस तरह तो सीख कबाब बना और वो भी जल जाएंगे। इंग्लिश में डोर, डोर की। दूसरा वर्ड है की। तीसरा वर्ड है दूल्हा, सहरा, शादी, फंक्शन, वली मा, मेहंदी मा, योर डोली की। अच्छा, वही मिस कर दिया। क्यों? सारे बोल दिए, कीवर्ड वही नहीं बोला। मंगनी, शादी, मेहंदी, गैदरिंग, फंक्शन, बारात। बारात दूल्हे की बारात। हाँ की बारात तो सही हो गया ना। हाँ, पहला वर्ड है टूर। ये लिख लो की बारात, क्यों आप बाद में भूल जाओगे जब पहला वर्ड याद आएगा। की बारात, की बारात नहीं याद है। ख्वाबों की बारात, सपनों की बारात, ख्यालों की बारात, सोचो की बारात, सपनों की बारात। कर लो आप, कर लो पहले। तो मैं तो कैसे कर रहा हूं ना, सही नहीं कर रहे हो। की बारात तो पकड़ लिया मैंने। दिमाग, दिमाग की बारात, ओ ख्याल की बारात, ख्याली पुलाव की बारात। सुन तो ले, एहसासात की बारात, जज्बात की बारात, हर माल दो रुपए, हर माल दो रुपए। किसकी बारात? सोची, ख्याली, इमेजिनरी, इमेजिनरी बारात, वर्चुअल बारात, सोच से भाई की बारात, सोचो की बारात। कॉमन सेंस इस्तेमाल कर ले, होता तो करता। ये सवाल था या स्टेटमेंट था? दुश्मन की बारात, दोस्त की बारात। यार कुछ और सोच रहा, आपको पता लग रहा है। हाँ हाँ, दूर, फार। तू इंग्लिश में क्यों चला जाता है? दूर, बहुत दूर, वो सोचो समझ से बाहर। सब बोल देगा, वो नहीं बोलेगा। मेरे होश हफास में नहीं था कि मैं शादी होगी। यार एक एक ये तो यही रोक दे, एक सवाल है मेरा। हाँ, वो मैं मिस कर गया था। पूछे, असल में मेरा ना स्क्रिप्ट खो गया था। हाँ, तो बताया आपने, खोया नहीं, जहाज में छोड़ा है। हाँ, तो अगर तुम्हें महान इजाजत दे दे दूसरी शादी करने की, तो ऐसे ही हाइपोथेटिकली किससे करोगे? नहीं करूंगा।
मेरी जान सवाल है। प्यार और शादी जिंदगी में हमेशा सिर्फ एक नहीं करूंगा मैं, क्योंकि एक तरफा प्यार की ताकत ही कुछ और होती है, एक तरह दो लोगों में नहीं बटता। अच्छा आपको अगर दूसरी पहली दूसरी होगी देखना, मेरी पहली शादी दूसरी होगी देखना। नहीं क्योंकि आप पहली तो नहीं कर रहे हो ना, तो दूसरी कर लो पहले, तो किसी शादी कर दूसरी पहले कर लो जिससे प्यार हो जाएगा, जो अच्छी लगी। अरे मतलब इतने हसीन चेहरे हैं आपके आसपास, कोई एक्ट्रेस आप तो फिल्म इंडस्ट्री में हो ना, जी जी उस हिसाब से पूछ रहा हूँ। अच्छा आप, मैं जिनसे शादी करना चाह रहा हूँ उनकी अभी शादी हुई भी हो या वो सिंगल हो? असूलन तो ये होना चाहिए उनकी ना हुई भी हो, उनकी ना हुई भी हो शादी, तो मैं शादी करना चाहूंगा। इतने लोग, इतनी खवातीन हैं जिनकी शादी नहीं हुई। वैसे मैं तो किसी से भी कर लूंगा, वो तो ठीक है। अरे मतलब बात तो वहीं फंसेगी, लेकिन आप तो कर ही लोगे। मुझे बताओ कि अभी जहन में किससे करना चाहोगे? तस्वीरें देख रहा हूँ तुम्हें, तस्वीरें देख रहा हूँ मैं कि किससे मैं शादी कर सकता हूँ ना। हाँ तस्वीरें तो ना, मेरे ख्याल इन तस्वीरों से तो बाहर ही सोचो। हाँ मैं भी ये कहूंगा, हाँ इसमें तो सब वो है पुराने, पता नहीं मुझे। ये इतने टाइम लेके तुम ये पता नहीं करो। हाँ कोई तो यार आदि जहन में बताओगे तुम। अच्छा मैं, अच्छा ये सवाल मैं दिमाग में रखता हूँ, ठीक है जैसी नाम आएगा बता दूंगा, प्रॉमिस। मैं फिर स्कारलेट जॉनसन से, अगर तुम्हारी शादी ना हुई होती स्कारलेट जॉनसन से कर लूं, और ये हम को पता है। ओके अब वो गेम खेला ऐसे नहीं, नहीं उसको जा सकते यार। और अभी कहता मेरे पास पैसे आ गए थे, गरीब मुझे लगा पाकिस्तानी इंडस्ट्री में शादी करनी है भाई। है? यार आपसे बोला किसी से भी कर लो भाई, यार वो तो हम जैसे गरीब लोग करते हैं पाकिस्तानी इंडस्ट्री में शादी। आप तो बाहर भी जा सकते हम जैसे गरीब। मैं दीपिका पादुकोण से कर लूंगा। दीपिका पादुकोण से बेटा थोड़ा गूगल भी कर ले, वो नहीं है सिंगल। हाँ ना क्या पता उस वक्त वो भी हो जाए। हाँ? यार अब ये तू बिल्कुल ही गलत खेल रहा है, इतना पुराने हो के तू शादी करेगा उस पे तो हो ही सिंगल, कोई सिंगल। अच्छा मैं फिर सोचता हूँ, कोई पाकिस्तानी इंडस्ट्री में कोई नहीं है यार। ऐसे गलत कर रहे हो आप यार, ये बहुत गलत कर रहे हो। अपन तो कोई नहीं पसंद आप। देखे मुझे जो जो पसंद थी उन सबकी शादियां मंगनियां कमिटेड हो गई हैं सारी, एक भी नहीं बची। अब मुझे तो कोई एक है वैसे वो नहीं है कमिटेड। हाँ है नहीं है? अरे नहीं है मैं, अरे अरे नहीं है, अरे हम बता रहा हूँ, अरे नहीं है। सही कह रहा लड़का, कह रहा हूँ। देखिए मुझे नवाल बिल्कुल ताजा खबर लाया हूँ, मुझे नवाल बहुत अच्छी लगती थी, लेकिन वो भी कमिटेड है अब। हाँ अच्छा, और उसके अलावा मुझे शहजीन बहुत अच्छी लगती थी, वो भी अब कमिटेड है, उनकी भी शादी होने वाली है। और मुझे लगा शहरयार मुनव्वर का है, शहरयार मुनव्वर मुझे बहुत अच्छी लगती है यार, ये क्या क्यों दिया। और मेरा मेरा शादी तो उनसे नहीं हो सकती, लेकिन मैं उनके साथ एक बार डांस परफॉर्म करना चाहता हूँ। वाओ शहरयार यार, ये ख्वाहिश तो इसकी पूरी कर प्लीज। अच्छा फिल्म फिल्म वही है, फिल्म फिल्म वही है यार। बाकी दो लाख ज्यादा तुझे कौन की शादी की मर गए, ये किया इन्होंने इसलिए दादा लिख ले की तो था। हाँ बड़ा कमाल की तूने याद रखा है, तीसरा वर्ड की था बारात की। हाँ दूल्हे की बारात, दूल्हे की बारात की बारात था, ठीक है। ये तो कोई और इशारा नहीं है क्या? अबे नहीं है कोई इशारा, इसका क्या करूं मैं यार? वो जो तुम तोड़ तोड़ के करते हो वो कर रहे हो ना, इसको कैसे तोड़ूं यार? दूर की बारात, हम सब मिलके बारात में आ गए। वो बारात मिल गए यार, मेरे दोस्त की बारात, भाई की बारात। यार बोल के दोस्तों पे चला गया यार, कजन्स उधर से, उधर के दोस्त दोस्त भाई मीडिया इंडस्ट्री फ्रेंड्स। क्या बचा? फ्रेंड्स को उर्दू में क्या कहते हैं? दोस्त। और अभी तो यार, हाँ यार याराना, याराना की बारात, बाराना की बारात, यारिया 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 की बारात हो सकता है। पता है लोग इस वक्त तुझे गालियां दे रहे होंगे, सबको समझ आ गई कौन सी फिल्म है यार। मैं हार मान रहा हूँ भाई, याद हो गया। अच्छा अब आप लोगों को याद आ गया वो नाम जो नहीं याद आ रहा? आपने इसमें लगा दिया यार। यार तो तुम्हें कोई नाम याद नहीं आ रहा, ऐसा कैसे होता है? मुझे वो भी अच्छी लगती है, वो करली बालों वाली, करली बालों से, करली बालों, यमुना जैदी। यमुना जैदी कब करली बालों में आई भाई? अच्छा ये यहाँ शादी की बात हो रही है, आप किससे शादी करना चाहते हैं? आप ऐसे रैंडम बस लड़कियों के नाम लिए जा रहे हो? हाँ। तो मेरी तो मीडिया इंडस्ट्री में किसी से दोस्ती नहीं है, तो मैं तो ऐसा भाई तो दोस्ती नहीं है, लेकिन आप शादी करना चाहते हैं ना। हाँ तो मैं... कर्ली बालों को आपने गलत रेफरेंस दे दिया, मतलब मैंने उनका जो देखा होगा प्ले उसमें उनके कर्ली बाल होंगे। हाँ। मुझे तो याद नहीं पड़ता यमुना ने कभी कर्ली बाल कराए। यार आप यमुना के बारे में ज्यादा पर्सनल नहीं हो, ठीक है? मुझे पसंद है।
ठीक है तो हाँ सही है। ये सब अच्छे अच्छे स्पिरिट में हो रहा है। हाँ, 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 मतलब इसमें ऐसा कोई नहीं कि कल मैं उनके घर पहुंच जाऊंगा, मुझे एड्रेस ही नहीं पता। हाँ, इसीलिए हम बताएंगे भी नहीं। हाँ, क्योंकि आप अच्छे आदमी हो ही नहीं। नहीं नहीं देखिए, मुझे मैं किसी भी लड़की से शादी कर लूंगा अगर मुझे अच्छी लगे बस, लेकिन मैंने कभी किसी को इस नजर से है भी फ्यूचर करीब में कोई इरादा है? जी इंशाल्लाह, मेरी मैं बिल्कुल जल्दी बस अगले साल इंशाल्लाह इंशाल्लाह अगले ही साल। हाँ तो ये तो काफी लंबा हो गया ना प्लान, काफी लंबा, मैं भी लंबा हो गया। नहीं हुए ना आप? नहीं मैं अगले साल इंशाल्लाह शादी कर लूंगा। अगले साल कर, प्लानिंग ऐसी ही है। 2022 में? 2022 में जी इंशाल्लाह। हमें बुलाएंगे? क्या क्या मतलब सोचोगे तुम? नहीं नहीं, गाना के साथ में स्वागत करना चाह रहा था आप लोग का। मेरे प्यार मतलब हैप्पी न्यू ईयर पे आप हनीमून पे होंगे? नहीं नहीं इतना जल्दी नहीं। नहीं 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 ओके, अभी लड़की ढूंढने का प्रोसेस? लड़की ढूंढ ली है। ढूंढ ली है? हाँ हाँ, मैं मतलब रिलेशनशिप में पता है इस लम्हे कितनी लड़कियों का दिल खुश टूट गया होगा। क्या खुश हो गया होगा? हाँ तो क्या हो गया, हम बचे, हम बच गए। तो बस इंशाल्लाह अगले साल। नहीं नहीं, आदि एक एलिजिबल बैचलर है, इसके लिए तो मतलब मुझे लगता है लाइन होनी चाहिए लड़कियों की, और है भी नहीं है, ऐसा तो नहीं है, लेकिन हाँ हमें एक एक मिनट में झूठा कर रहा है। एक नहीं, मैं आप लोगों का साथी नहीं हूँ। अच्छा, कोई पैगाम किसको? जो आपको किसी ने दिया और आपने आगे ना पहुंचाया? कभी ऐसा? कैसी घटिया बात है, नहीं करने की बात थी, जरूरी था ना, देख के करते हैं। मुझे बताएं कि कोई ऐसा पैगाम जो आप देना चाहते हैं आने वाले एक्टर्स को या स्पेशली कॉमेडियंस को, कि कॉमेडी का फ्यूचर, आप ये सवाल यार मैं जरूर पूछना चाहूंगा, कॉमेडी का फ्यूचर क्या देखते हैं आप? यार मैं तो नहीं देखता भाई, कम अल्फाज में बता, मैं नहीं, मुझे नहीं पता, मैं फ्यूचर वगैरह नहीं देखता। टू बी वेरी ऑनेस्ट, आई डोंट कंसीडर मायसेल्फ एज अ कॉमेडियन, आई एम नॉट अ कॉमेडियन। मुझे कोई जोक वोक नहीं आता, मैं कोई आइटम पेश नहीं कर सकता, मैं कहीं भी जाके किसी को रैंडमली नहीं हंसा सकता, तो मैं आई डोंट टेक माई सेल्फ एज अ कॉमेडियन। अल्लाह मियाँ ने मेरा आलू इस तरह चला दिया है कि लोगों का जो मेरा नेचुरल सा ह्यूमर है, जो मेरी पर्सनैलिटी में, वो पसंद है, लेकिन मेरा कोई ऐसा ताल्लुक नहीं है कि मैं कहूँ कॉमेडियंस कहाँ जाएंगे, कॉमेडी कहाँ जाएगी। आई हैव नो। आपका कोई है इस पे? मुझे ऐसा लगता है कि कॉमेडी बिल्कुल अच्छी होगी, बेहतर होगी, लेकिन बस वो जो एक थिन लाइन होती है बिलो द बेल्ट जाने की, वो ना करें, क्योंकि हमारे यहाँ बड़ा आसान हो गया है। खासतौर पर वेब का जो कॉन्टेंट में देखता हूँ, उसमें मुझे बड़ा अफसोस होता है कि लोग बहुत ज़्यादा ज़रूरी समझते हैं कि क्योंकि हम वेब पे हैं तो हमें थोड़ा सा कोई ऐसी बात करनी चाहिए जिसमें कॉन्ट्रोवर्सी हो या किसी की दिल आजारी हो, ज़रूरी नहीं होता, बिकॉज अच्छी कॉमेडी भी की जा सकती है। और हम लोग भी कोशिश करते हैं कि हम ऐसी कोई बात ना करें जिससे कोई अगर फैमिली बैठ के देख रही है तो उनको वो ऑकवर्ड हो जाए या उनको बात बुरी लगे। हाँ मुझे पता है कि कॉमेडी करने के लिए ज़रा सा जूम आईने का फ़ायदा उठा सकते हैं, लेकिन वो जूम आईने अच्छे भी हो सकते हैं, ज़रूरी नहीं कि आप उसको किसी गलत तरफ लेके जाएं। तो कॉमेडी इंशाल्लाह अच्छी होगी, इसमें कोई टेंशन वाली बात, समझ रहे हो बात? नहीं मैं नहीं सुना। चलो सुना नहीं। बात नहीं समझो तो हम ब्रेक चले जाते हैं, एक छोटी सी ब्रेक ले वापस आए और मिलते हैं इनसे दोबारा मजेदार शो में विद आदि एंड फैजान। वाह वाह। ये जो है हेडफोन्स, ये एक बहुत ही नया एक गेम शो है। वाह, उधर से चोरी करके लाया। उन्होंने जो 5 शोज में से किया था तो उनसे मैंने ये निकाला है, और आप भी ये कर चुके हैं। 95 में आपका एक मॉर्निंग शो आता था। जी जी जी, उसमें आप ये चीज करते हैं। हमने इंट्रोड्यूस कराया था हेडफोन। जी जी, उससे पहले लोग हेडफोन का पता ही नहीं था। हाँ, लोग स्पीकर कंधों पे रख के चलते थे। अच्छा, दोनों का टाइम पूरा हो गया बातें करने का, पागल हो गए बिल्कुल। ये आप अपने लगाएंगे कान पे? कान पे लगाऊंगा। हाँ जी, एक कान पे नहीं, दोनों कानों पे, दोनों आपके। दोनों पे कैसे लग सकता है जान मेरी? ठीक है, कैच। मजेदार 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 मजेदार, थोड़ा वॉल्यूम बढ़ा दें इसका, ये फुल है, फुल वॉल्यूम पे। मैं हल्का बोल लेता हूँ, ऐसा करते हैं। यादों की बारात, जादू की बारात। हाँ, जादू जादू, यादों ये जादू, यादों जादू, यादों एजाद हो, यादों जादू सही है? नहीं है, नहीं है। यादों की बारात, जूतों की बारात, यादों की बारात, चांद की माला, यादों की बारात। और इस खूबसूरत तोहफे में है 5,000 यूनिक गाने, ये बाकी नहीं है। यादों की बारात, जादू सही है? नहीं, जादू तो गलत है। नहीं है सही? हाँ। यादों, हल्का हल्का बोलो, हल्का हल्का। सा। वाह मेरे शागिर। या क्या?
दो तो क्या तो की ती या तो ती अच्छा जोड़ता भी नहीं है ना क्या बोल रहा है ये हमारी फिल्म में चाइना में यही लगवाएगा यादों की बारात क्या तूने मुझे मारा इसकी हेडफोन उतार उसको चमाट मार मेरी तरफ ये जो तूने नाम नहीं बूझा था ना यादों की बारात ये वो ही कह रहा हूं मैं यार जब मैंने उस वक्त नहीं बूझ पाया तो अब कैसे बूझ पाता मैं अच्छा तू कंटिन्यूटी फॉलो कर रहा है देखो ना यार गुड यार वेरी गुड आदि आप लगाइए प्लीज अब आप कौन पूछ रहा भाई जिन्हें मेरा दिल लुटिया ओहो कुछ समझ नहीं आया ये आजा नहीं आएगा जिन्हें मेरा दिल लुटिया जलेबी ओहो क्यों नहीं किया तुम वो भी कैसे कर रहे जिन्हें मेरा दिल लुटिया ओहो क्या हो गया उसके जहन में कुछ और वो तो हो ही नहीं सकता हाँ नहीं नहीं ऐसा नहीं जिन्हें मेरा दिल लुटिया ओहो क्यों आ रहा है आप में यार जो मुंह बन रहा है वो नहीं मैं बहुत अच्छा लाया हूँ बोल वो बोलेगा तू बोल अब बोल ना ओहो मेरा तो यही था भाई तू मेरे वाला बोला जिन्हें मेरा दिल लुटिया ओहो नहीं बिल्कुल कोई आइडिया नहीं अरे लगा लगा अच्छा लगा कर रहा ये समझ आ रहा है नहीं वो पकड़ सिर्फ नाम ही नहीं पकड़ सकते हाँ ना वो नॉर्मल जो बाकी बातें सब आवाज आती है वेरी इंटरेस्टिंग हेडफोन डिजाइन किए इस शो के अच्छा इसको चुप क्यों मार पंत तोड़ा मुंह इवें है जीवे है ही नहीं जिन्हें मेरा दिल लुटिया नहीं भाई जिन्हें ती और त्री पैंती नहीं जिन्हें जी हाँ मेरा मेला हाँ दिल झिल मिलाती दिल लुटिया गुड़िया दिल गुड़िया नहीं पुड़िया जिन्हें दिल हाँ जिन्हें मेरा दिल झिल मिल दिल जिन्हें मेरा दिल लुटिया ओहो पकड़ा नहीं भाई अरे जिन्हें मेरा दिल लुटिया ओहो यार इतना आसान था यार बहुत आसान था यार अब आपकी बारी बहुत आसान था अब हम आपसे पूछेंगे जी जी बिल्कुल कुर्ती भी गिल्ली गिल्ली लाचा भी गिल्ला गिल्ला कुर्ती भी गिल्ली गिल्ली लाचा भी गिल्ला गिल्ला आपका लगता है ज्यादा होता है आपको पता है क्या कैसे गैस किया आपने ये बैठी है ना साथ ही नहीं समझ आ रहा है ना हाँ हाँ अच्छा हाँ बड़ी बात है अब आप पूछो मैं पूछूं सोचना नीचे से इशारे कर रहे हैं अच्छा कराची से लाहौर और लाहौर से वापस कराची से लाहौर और लाहौर से वापस कराची से लाहौर और लाहौर से वापस यार क्या बात है गाना बंद है बिल्कुल ही क्या नाक से सूंघते हो क्या अरे मुंह पर समझ आ रहा है ऐसा क्या समझ आ रहा है पागल की बच्ची समझा रहे हमें अच्छा आप गेस और आप पूछोगे आप गेस करो नहीं मुंह तो हटाओ मुंह हटाओ मुंह हटाओ मुंह कैसे हटाओगे इदरीस की मछली इदरीस की मछली इदरीस की मछली इदरीस की ये देखो यार ये हाँ। हम यासिर के साथ नहीं हाँ। खेल रहे हम यासिर और अंजुम के साथ खेल रहे समझे आप टू वर्सेस टू चल रहा है नहीं नहीं ये अंजुम आपके बारे में गाना बंद कर देती है नहीं इदरीस कौन है हमें क्या बता तो कैसे पकड़ो इदरीस बोल रहे हो ना तुम इदरीस भी तो हो सकता था गाली निकला कि मुझे मेरे इदरीस ही पकड़ा था वो इदरीस ये आप अगर थोड़ा ड्रैग करके बोलते तो हम मान लेते आपने पहली बारी में इदरीस कर दिया अच्छा आपको पता है इदरीस तक बंद किया आधे में उन्होंने गाना चला दिया वो तो वो भी खेल रही ना आपके साथ वो चूल्हे ना अच्छा वो आपसे जीतना चाहती है चलो चल रहा है गाना अब कर लो बंद बेशक हां सुने ना आप पकड़ ना आप बोल सलमान खान दोबारा 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 साला हाँ अब बोल ना तेरा डी सेकंड फ्लोर है ना हमने 17 साल ये गेम खेला 17 साल मैं पहले ही गेम के दौरान हुआ माशाल्लाह गेम हुई आप नहीं टीवी पे
क्या बोल रहे थे? अस्सलाम वालेकुम। आप पकड़ना इतनी जैसे पकड़ा था। अस्सलाम वालेकुम नहीं बोला था। क्यों नहीं बोला था? मैं बोल रहा था भाई। अस्सलाम वालेकुम वो आदमी इतना हंस रहा था। वो इसलिए हंस रहा था कि आप पकड़ नहीं पा रहे थे। नहीं अस्सलाम वालेकुम पे इतना नहीं हंस सकते जी। अरे चश्मा उतारे तो मुझे साथ आ जाती। अच्छा चलो, अच्छा चलो भाई खलास। समझ आया मुझे। इंशाल्लाह तुम बोलो। इदरीस तो पकड़ लिया था। भाई कच्चे पापड़। कच्चे शी कहां से? अब पकड़ना इतनी। चीटिंग कोड पकड़ लिया। हाँ मेरा जो पैटर्न था ना कंफ्यूज हो गया। कंफ्यूज वो वाला। अच्छी गेम रही आपके साथ और बहुत मजा आया आप दोनों के साथ। हमें बहुत मजा आया। वैसे भी अक्सर मेरा दिल करता है कि तुम दोनों से मिलूं, लेकिन फैजान तो हमेशा बहुत मसरूफ होते हैं और आप हमेशा फारिग होते हैं, लेकिन मेरे पास डीजल नहीं है। डीजल नहीं है। हाँ आपने माशाल्लाह बहुत बड़ी गाड़ी ले ली है उन्होंने। तो पेट्रोल छोटी गाड़ी है यार। पेट्रोल का नहीं हो रहा उसमें? नहीं सिर्फ डीजल है। वो डीजल का है वो जी। और उसका टैंक भी यार हम आपसे वादा करते हैं ऑनियर, हम आपके पास एकदम एक साथ आ जाएंगे दोनों। हम आपके घर तब आएंगे अगर आप बहुत खुश हो जाऊंगा। आप हमें बुलाएं बारबेक्यू पे। ओए होए आप किस चीज का बारबेक्यू खाना पसंद करेंगे? इदरीस का। चिकन? इदरीस का। चिकन, चिकन बीफ प्रॉन खिलाओ हमें। चिकन बीफ और प्रॉन तीनों में से कोई भी चीज। नहीं नहीं तीनों खिलाएंगे यार। नहीं नहीं बजट होने की जरूरत नहीं है। देखो ये मीडिया का पैसा आ जाए ना कल नहीं होगा। उड़ाओ नहीं। ये देखो ये क्या। ये पॉज है। ये शो है जो मुझे भी नया मिला है। अरे वाह पैसों की कमी नहीं हमारे पास है ना। आपका जो इंशाल्लाह फेयरवेल करेंगे ना फेयरवेल उस पे तीनों चीजें रखें। नहीं लेकिन लेकिन मैं वाकई कह रहा हूँ सर्दियों का मौसम है, आप लोग आए मेरी तरफ, मैं ये बारबेक्यू करता हूँ और भी कोई भाई हमारे आना चाहे तो। लेकिन आपको बहुत शुक्रिया कि आप लाहौर से आए और सीधा एयरपोर्ट से आए और इस शो को आपने होस्ट किया। नहीं मुझे जब फोन आया अंजुम का और उन्होंने मुझे बताया कि आप दोनों को होस्ट करना है तो मुझे खुशी ये हुई कि इस शो में बहुत ऐसे लोग आए हैं जो बहुत अच्छा ये शो होस्ट कर सकते थे। जी जी। लेकिन मुझे चुना गया इसके लिए तो मुझे बड़ी इस बात की ज्यादा खुशी हुई। वो इसलिए क्योंकि हम आपको सच्ची बात बताएं कि आप बिल्कुल हमारी फैमिली की तरह हैं और हमने ये बात भी इसलिए की कि याद एक और भी बात हो रही थी लेकिन हमने कहा नहीं ऐसे को बुलाएं जो हमारा अपना हो जो हमें समझता हो। तो लेकिन आपका शुक्रिया कि आपने अपने स्केड्यूल में से और आपने हामी भरी क्योंकि बहुत कम ऐसे होता है कि किसी शो में आप जाके बोले यार क्या आप वो एक दिन के लिए होस्ट कर लें या जो जैसे वो तो आपको लग रहा है ना एक दिन के लिए। नहीं वैसे जनरली कह रहा हूँ लेकिन आप इतना अच्छा ही शो होस्ट करते हैं मैं तो आ चुका हूँ यहाँ पे कि ये मैं क्या ये कोई भी और होस्ट ये नहीं कर सकता। आप मतलब अपना नया शुरू करोगे इधर हमारा बंद करा के ये कहना चाह रहे हो आप नाम भी चेंज कर रहे हो। दिलों की बातें तुम ही समझ सकते हो। लेकिन अल्लाह आपके इस शो को हजारों सीजन हो इसके और सैकड़ों शोज हो इसके, मेरी ये दुआ है और ये मजेदार शो और मजेदार होता रहे। और आज की एपिसोड तो वाकई बहुत मजेदार होगी। मैं चाहूंगा कि क्लोजिंग आप लोग ही करें जैसे आप करते हैं और हम तो शटर के रात से रात के 12 बजे अब क्या क्लोजिंग कर शटर गिराए और भागे यार। देखें बैंड हल्का हल्का ना सीटिंग यूज कर रहा है। लेकिन थोड़ा सा अगर आप लोग जाने से पहले हमेशा आदि भाई एक मैसेज देते हैं। आदि भाई अगर आपको आज मैसेज देना चाहे तो मैसेज यही आज के शो के हवाले से मैसेज यही है कि जो मैं कहता हूँ कि हर जगह हर तरह के लोग होते हैं उसी तरह इस इंडस्ट्री में भी बहुत से ऐसे लोग हैं जो फैमिली की तरह रहते हैं। बेशक हम लोग यासिर से इतना नहीं मिलते और ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनसे इतना नहीं मिलते लेकिन वी टेक देम एज आर फैमिली, वी लुक फॉरवर्ड टू देम एज अ फैमिली और वो जब भी हमारे साथ होते हैं हमें ऐसे ही लगता है। आज का शो हमें बिल्कुल नहीं ऐसा लगा कि जैसे कि हम कोई शो कर रहे हैं, ऐसा लगा कि हम घर में बैठे हैं भाइयों के साथ। तो आपके पास भी आसपास हमेशा इस तरह के लोग होते हैं जो आपको अपने लगते हैं लेकिन उसके लिए आपको उनको टाइम देना पड़ता है। तो मेक श्योर अपनी बिजी जिंदगी में से अपने रिश्तों पे भी थोड़ा सा गौर फरमाएं, बहुत खूबसूरत चीजें नजर आएंगी आपको। एब्सोल्युटली। और यासिर थैंक यू सो मच वंस अगेन, आपने थैंक यू फॉर इतना जबरदस्त शो किया और हम चाहते थे और हमने बड़े अरसे से प्लान कर रहे थे कि कोई ऐसा आदमी हमें सही मिल जाए जो इस शो को
ज्यादा और अच्छा कर सके, और आपने डेफिनेटली इसको चार चांद लगा दिया। थैंक यू सो मच। उम्मीद करते हैं आपको हमारा शो पसंद आया होगा, और पसंद आया तो अगले वीक भी ट्यून इन कीजिएगा। जाने से पहले काशी भाई जी, कौन सा गाना सुनाने वाले हैं आज आप हमें? काशी भाई आज क्योंकि एक बड़ा स्पेशल शो हुआ है तो आज नहीं गाओ। नहीं नहीं यार, अच्छा नहीं यार, नहीं नहीं यार, ये नहीं हो सकता जो कह रहे हैं वो मान ले। नए साल का कोई अगर आप मैसेज देना चाहें। हाँ, नए साल का क्या मैसेज? काशी भाई का तो जुलाई में शुरू हो जाता ये वहां से नए साल का यही मैसेज है कि अल्लाह करे कि हमारा ये नया साल खुशियों से भरा रहे। आमीन। और जो ये पीछे अभी पीछे सालों जो क्या मुसीबतें आई हैं, मुसीबतें वो इंशाल्लाह इस साल नहीं होंगी इंशाल्लाह। और काशी भाई हमारे यहाँ कहा ना कि आप नए साल की कोई दुआ, तो उसने कहा भैया अल्लाह मैं ये दिसंबर निकाल लूं। लेकिन काशी भाई क्योंकि नया साल का शो है जी जी, तो मैं आपके लिए भी एक छोटी सी दुआ कराना चाहता हूँ। कल इंशाल्लाह 2 बजे कराऊंगा बंगले पे। वेलकम जी, मैं हूं फाइक खान और मैं बहुत जल्द आ रहा हूं TV1 पर आदि और फैजान के साथ इन मजेदार शो। मजेदार 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 शो।